हरिवर हरे कृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द एक बार सभी मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम यस्मदी गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत धर्मगुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में उनका आश्रय लेते हुए समस्त रूपानंद गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हरिकथा श्रोत मंडली जो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के जन्म को उपलक्ष्य करके इस सुंदर समारोह में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त श्रोतावृंद के यथायोग्य प्रणाम। हम लोग आज श्री कृष्ण के जन्म को उपलक्ष्य करके यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और पिछले चार पांच दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम के अंदर कृष्ण तत्व का विवेचन सुन रहे थे। किस प्रकार कृष्ण जो कि असमूर्ध तत्व है वो भी किस प्रकार उन्होंने एक नर्वत लीला धारण करी है जो कि श्री व्यासदेव जी ने आगे जाके दशम स्कंध में वर्णन किया। लेकिन उससे पूर्व पूर्व हमने सभी अवतारों के विषय में श्रवण किया। अवतार किस प्रकार भगवान कृष्ण कृष्ण से बलदेव प्रभु बलदेव प्रभु से कांडवदक्षाय गर्भोदक्षाय क्षीरोदशाय और उन्हीं से फिर आगे आगे अवतारा बली। तो हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण अखंड अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। कृष्ण से एक हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार सृष्टि हुई, किस प्रकार कृष्ण ने जब इच्छा करी तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और उन्हीं के ब्रह्मा जी के से बाद में उन्होंने सृष्टि मनु सत्रुपा और फिर सृष्टि आगे प्रारंभ हुई है। लेकिन वो कृष्ण जिनके एक इशारे मात्र से ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटि कोटि श्वशेष वशुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये कृष्ण कौन है कि जिनकी एक इशारे मात्र से ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है स्थिति होती है और उसी से प्रलय हो जाता है। भगवान के एक एक लोम कूप से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड निकल रहे हैं और जब भगवान निश्वास लेते हैं उसी समय पर वापस सारे उनके गर्भ में चले जाते हैं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम उन्होंने क्या किया है देवकी यशोदा देवकी और वसुदेव और यहाँ पर नंद यशोदा के पुत्र के रूप में कहीं पर आविर्भूत हुए हैं तो कहीं पे जन्म ग्रहण किया है। भगवान कृष्ण यद्यपि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है स्वयं भगवान है। भगवान कौन है कहते हैं भगवान उसे कहा गया जिनके अंदर छह ऐश्वर्य विद्यमान हैं। हमने पहले भी इस विषय में विस्तृत रूप में श्रवण किया है कि जिनके पास समग्र ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये सब चीजें जिसमें पूर्ण रूप में विराजमान हो वही भगवान है। लेकिन ऐसे षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान भी जब एक स्वाभाविक बालक जिस प्रकार लीलाएं करता है उसी प्रकार सुंदर सुंदर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पुत्र बन गए। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसी तिथि को उपलक्ष्य करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नंद यशोदा के श्री यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेकर और एक सद्योजात शिशु श्री चक्रवर्ती पाद कहते टीका में जैसे एक नवजात शिशु होता है उस प्रकार उन्होंने उनके गर्भ से जन्म लिया। किस प्रकार गोकुल के अंदर
पूर्ण आनंद महोत्सव छा गया। आज जैसे हम लोग यहाँ पर आनंद महोत्सव मना रहे हैं, नाच गाना कीर्तन, ऐसा ही आनंद सबके हृदय में रहा था। और वहां पर भगवान स्वयं सबके हृदय में आविर्भूत होके और सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान का नाम ही है आनंद कंद, और उन आनंद कंद भगवान ने क्या किया, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है। जब भगवान छोटे शिशु थे, हम लोग श्रवण करेंगे आज विस्तृत रूप में किस प्रकार भगवान ने अनेक अनेक असुरों का वध किया, और उन असुर वध के मारने, असुरों को मारने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। कैसे वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन उसी ऐश्वर्य के साथ साथ में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भी करी है, बड़ी मधुर मधुर लीलाएं। कहीं पर भगवान क्या करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे बालक की तरह मक्खन चोरी करते हैं। क्या कोई चोरी करता है, भगवान होकर कभी कोई चोरी करेगा, नहीं करते। लेकिन उन भगवान ने क्या किया, चोरी करी है, गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, कभी मैया के शासन से भयभीत होकर और सिसक सिसक कर रोए भी हैं। भगवान इतने करुणामय अवतार हैं, उन्हीं की एक सुंदर लीला मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक समय पर कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए, तो कृष्ण के सुंदर रूप माधुर्य की चर्चा पूरे ब्रजमंडल में होने लगी। कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है, श्री सूरदास जी ने कहते हैं कि कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है कि हम लोग तो सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करते हैं। आज देखो सब लोग कितने सुंदर सज सज के आए हैं, बढ़िया गोदरेज के अंदर से नई साड़ी निकाली होगी, अलंकार निकाले होंगे, है ना, और तीन चार पेंटिंग करी होगी माथे पर, चार पांच लेयर, तब जाकर इतने सुंदर लग रहे हैं, है ना। लेकिन कृष्ण कौन है, वो अलंकारों की शोभा बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण से अलंकारों की भी शोभा बढ़ जाती है। वर्ष गुरुपाद पद्म की, श्री गुरुदेव की। तो श्री कृष्ण कैसे हैं, वे स्वयं अलंकार को भी शोभा प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं परम पदम भूषण भूषणांगम। श्री भागवतम में उद्धव जी वर्णन करते हैं कि भगवान का वर्णन कैसा, भगवान का रूप कैसा है, विस्मापनम स्वस्य च सौमगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। कह रहे हैं स्वयं विस्मोहित कर देने वाला, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री जय जय श्री राधे। तो यह वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, श्री उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है कि अलंकार यदि कोई व्यक्ति धारण करे तो उससे उस व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। लेकिन कृष्ण यदि विवस्त्र भी हो, कृष्ण यदि कोई वस्त्र भी नहीं पहने हो, तब भी उनका त्रिभंग ललित स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण की किस प्रकार देखो, वक्षस्थल बड़ा ही चौड़ा है, पतली सी कमर है, और उसके बाद में त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े हुए हैं। तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हैं, हाथ में उन्होंने मुरली धारण कर रखी है, हाथ में मुरली धारण करते हुए सर पर मयूर पुच्छ सुशोभित है। कृष्ण के घुंघराले घुंघराले केश हैं, और उन घुंघराले केशों में मैया ने बड़े सुंदर रूप में फूलों से सजा रखे हैं, है ना। तो कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप था, उस सुंदर स्वरूप की महिमा, उस सुंदर स्वरूप की चर्चा पूरे ब्रजमंडल में होती थी। जब भी ब्रज गोपियां ब्रज से गोकुल से दूध दही को लेकर और मथुरा जाती थी बेचने के लिए, तो उस समय पर वह कृष्ण की इस सुंदर स्वरूप का दान करती थी। कृष्ण आज ये लीला करी, कृष्ण का ऐसा सुंदर स्वरूप है, हाय ये कलुआ, हाय ये नंदलाला, कैसा निद्रोरा है, इसने तो मेरे मन को ही चोरी कर लिया है। ऐसे सुंदर सुंदर कृष्ण की लीलाओं का जब गुणगान करती थी, तो वहां पर एक फल बेचने वाली थी। वो फल बेचने वाली कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप की महिमा सुन के, उनकी लीलाओं की महिमा सुन के बड़ी आनंदित होती थी, और उसके मन में भी हृदय में उसके हृदय में भी इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण का दर्शन करूँ। जैसे हम सबके हृदय में भी उत्कंठा है ना, भगवान कृष्ण आज जन्म लेंगे 12 बजे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कल से ही इंतजार कर रहे हैं, कल से ही क्या, जब से भागवत आरंभ हुई है तभी से कृष्ण जन्माष्टमी को लक्ष्य कर रहे हैं। हमारे हृदय में भी देखो, आज भगवान को किसी ने देखा नहीं है, उनका ही हमने इस कथा के माध्यम से श्रवण ही किया है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम कितना विनोद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, ये इस हरि कथा से ही समझता लगता है। हमें भी कितनी उत्कंठा है कृष्ण के दर्शन करने की, कृष्ण जन्म की। तो ऐसे ही उस फल बेचने वाली को उत्कंठा थी कि क्या मैं भी कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगी। तो उसने क्या किया, कृष्ण दर्शन की लालसा से आज मथुरा से वृंदावन आ गई है, और सोच रही है कि बच्चों को फल बड़े प्रिय है,
छोटे बच्चों को मीठे मीठे फल बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या करूंगी, नंद भवन के बाहर जाऊंगी और फल के लिए याचना करूंगी। जब फल के लिए बुलाऊंगी तो कृष्ण दौड़े दौड़े मेरे पास में आएंगे और मैं उनको दर्शन करूंगी, उनको आलिंगन करूंगी। ऐसी भावना लेकर वो मथुरा से आज नंद भवन के बाद में आई। पहले दिन जब आई तो जोर जोर से नंद भवन के बाहर आके और चिल्ला रही है, फल कौन लेगा, फल केला ले लो, आम ले लो, जैसे साधारण फल बेचने वाले बिक्री करते हैं उसी प्रकार नंद भवन के आगे आके और घोषणा कर रही है कि कौन फल लेगा। अभी कृष्ण ने जैसे ही आवाज सुनी कि कोई फल बेचने वाली है, कृष्ण यद्यपि लीला कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे की, लेकिन भगवान है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो कृष्ण ने क्या किया, स्वयं नहीं जाकर अपने सखाओं को भेज दिया कि जाओ कोई फल बेचने वाला आया है, तुम जाकर उन फलों का आस्वादन करो, मीठे मीठे फल खा लो। तो कृष्ण के सखा आए, उन्होंने फल वाली से फल लिए, बड़ा ही आस्वादन किया, बड़े मीठे फल है। कृष्ण दर्शन के लिए ये फल बेचने वाली आई थी, लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए, दुखी हो गए कि भगवान ने आज दर्शन क्यों नहीं दिए, कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, दुखी हो गए और वापस चली गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी वही दिन चलिया, फल कौन लेगा, फल आम ले लो, तरबूज ले लो, किसी मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, फलों का नाम सुन के भूखे पैसे बैठे हैं ना सब लोग। तो ये फल वाली भी क्या करने लगी, नंद भवन के बाहर आके और बोलने लगी फल कौन लेगा, फल फल बेचने के लिए। अभी दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन भी कृष्ण ने अपने सखाओं को भेज दिया कि जाके तुम फल खाते आ गए। दूसरे दिन भी कृष्ण के सखा लोग आए, फल बेचने वाले से फल लिए, आस्वादन किए और वापस चले गए। दूसरे दिन भी कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। तीसरे दिन जब फल बेचने वाली मथुरा से वृंदावन की ओर आ रही है, तब मनी मन विचार कर रही है कि दो दिन हो गए और कृष्ण मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अरे कृष्ण दर्शन यदि नहीं हुआ तो ये प्राण धारण करने का क्या लाभ है। हमारे भक्ति गुरु ठाकुर बड़ा सुंदर रूप में कीर्तन में वर्णन करते हैं, जन्म सफल जार कृष्ण दर्शन जार, जन्म सफल जार कृष्ण दर्शन। कृष्ण का दर्शन किया, श्री सूत गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि बरहाई देते नैने नरानाम लिंगानि विक्षुण न निरीक्षितो य पादो निनाम तो ध्रुव जन्म भाजो। कहते हैं कि आंख जो है, इन आंखों की सार्थकता किसमें है, यदि इन आंखों से भगवान का दर्शन किया, ठाकुर के श्री विग्रह का दर्शन कर लिया। पीछे वाला दरवाजा जो है ना, कुकिंग वाला, बंद कर दो। हाँ, पीछे वाला दरवाजा बंद कर दो। तो श्री भक्ति विनोद श्री सूत गोस्वामी पाद अपने श्लोक में श्री भागवतम के अंदर ही वर्णन करते हैं कि अगर इन आंखों से कृष्ण का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, श्री धाम का दर्शन नहीं किया, वैष्णव का दर्शन नहीं किया, तो ये आंख नहीं है, ये पांख है। देखना, मोरपंख के अंदर भी एक आंख होती है। कहते हैं इस आंख में और उस मोरपंख की जड़ आंख में कोई फर्क नहीं है। इस आंख से यदि तुमने इस जड़ जगत का दर्शन किया लेकिन भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, मथुरा वृंदावन जगन्नाथपुरी नवदीप जैसे धाम में नहीं गए, तो तुम्हारी आंखों का सार्थकता नहीं है। इसलिए कहते हैं जन्म सफल जार कृष्ण दर्शन सार। आज ही फल बेचने वाली भी यही मन में विचार कर रही है कि अरे दो दिन हो गए कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, यदि उस काना के, यदि उस काले के आज दर्शन नहीं हुए तो मैं ये शरीर ही धारण नहीं करूंगी यमुना जी में कूद के और ये प्राण त्याग कर दूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लेके और कृष्ण दर्शन की उत्कट लालसा से आज जब फल बेचने वाली आई है तो आम केले तरबूज ये सब भूल गई और गोविंद के सुंदर नामों का कीर्तन करते करते क्या कह रही है, गोविंद ले लो गोविंद, गोपाल कौन लेगा गोपाल, मधुसूदन ले लो मधुसूदन,
कृष्ण के सुंदर नामों का गान करते हुए आज एकदम पागल ही होके, एकदम पूरी पागल ही होके और नंद भवन के बाहर आके चित्कार करने लगी है। जब भगवान ने देखा कि आज मेरा भक्त मेरे दर्शन की लालसा से बड़ा पीड़ित है और मैं जब तक दर्शन ना दूं तब तक जाने वाला नहीं, दर्शन यदि ना दिए तो क्या करेगा, प्राण ही त्याग देगा। जब ऐसा दृढ़ संकल्प भगवान ने देखा तो क्या किया, स्वयं दर्शन देने की इच्छा से अभी गमन करना आरंभ किया है। कुछ दिन पहले जब पूतना आई थी तो भगवान श्री नंद बाबा ने नंद भवन के अंदर बड़ा कड़क पहरेदारी लगा दी कि कोई कृष्ण बाहर जाने ना पाए। तो मई सब लोग पहरेदार थे, दास दासियां आसपास घूम रही थी। कृष्ण सोच रहे थे कैसे न कैसे नजर बचा के और भक्त को दर्शन देने जाना है। लेकिन मैया ने क्या किया था, पैरों में नूपुर बांध रखे थे, पैरों में छोटे बच्चे को जैसे पायल पहनाते हैं ना, तो पैरों में नूपुर बांध रखे थे। कृष्ण जैसे ही बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं तब नूपुर छम 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 करके शब्द करने लगे हैं। और अभी फल बेचने वाली है, फल बेचने वाली है, कुछ देना तो पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, हाथों में गेहूं के दाने धान भर लिया, गेहूं ले लिया ताकि गेहूं उस फल वाले को देंगे और बदले में फल ले लेंगे। तो कृष्ण जब चलने लगे हैं थुमक थुमक करके कृष्ण आगे चल रहे हैं और पैरों में नूपुर छम 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 करके नूपुर जब आवाज करने लगे हैं, कृष्ण भी सोच रहे हैं कि यदि पाँव की आवाज हुई, पायल की आवाज हुई, मैया को पता चल जाएगा और मैं अपने भक्त से मिल नहीं पाऊंगा। तो कृष्ण ने क्या किया, उन नूपुर को ऊपर की तरफ उठा दिया, घुटने की तरफ ऊपर उठा दिया, पैरों से चाप कर दिया, दब गए तो अब आवाज नहीं हो रही है। और हाथों में जो धान लेता था, छोटे बच्चे हैं ना तो ठीक तरह से धान लेना भी नहीं आता, क्या है हाथों में गैप बना हुआ है, हाथों में फर्क है। तो धान उठाया तो है लेकिन धान गिरता जा रहा है, रास्ते में चलते जा रहे हैं और धान गिरता जा रहा है, चलते जा रहे हैं गिरता जा रहा है। अभी चलते 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 जब घर के बाहर पहुंचे हैं जहाँ वो फल बेचने वाली थी, घर के लायक तो पूरी थी, खाली होते होते रह गए दो दाने। अभी बाहर जाके फल बेचने वाली से कह रहे हैं, भाई मुझे फल खिला दो, फल खिला दो। जैसे ही फल वाली ने सुना, पहले तो कृष्ण का दर्शन करके, जब कृष्ण नाम गान कर रही थी, गोपाल मधुसूदन गोविंद सुंदर कृष्ण नामों का गान कर रही थी, तो उसका साक्षात फल के प्रकट हुआ, कृष्ण ने दर्शन दे दिया। कृष्ण दर्शन देके तो पूरा सुबुद्धि हो गई, बावली हो गई और कृष्ण को एकदम निहार रही है। कृष्ण यहाँ पर उसको खिलाते हुए कहते हैं, बोले मुझे फल खिला दो, फल बेचने जाती हो ना, लो ये गेहूं लाया हूँ, ये गेहूं ले लो और मुझे फल दे दो। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, ये फल बेचने वाली कहती है, बोले कन्हैया तुम तो हाथ में लेकर आए हो दो दाने और चाहते हो पूरे फल की टोकरी, बोले तो मैं कैसे दे दूं। बोले तू बड़ी अजीब बात करती है गोपी, मैं सब माताओं के घर में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे माखन खिला दो, मिश्री खिला दो, जो भी कहता हूँ मुझे सौ तुरंत ही दे देती है, और तू कहती है कि विनिमय में सिर्फ दो दाने नहीं चलेंगे। अरे तेरे लिए तो मैं दो दाने तो लाया हूँ, उनको तो मैं कुछ भी नहीं देता। फल बेचने वाली कहती है, तुम उन माताओं से जाके कहते क्या हो। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैया मुझे फल दे दे, मैया मुझे माखन खिला दे, उनकी गोद में बैठ के जब मैं कहता हूँ तो मुझे फल खिला देती है। तो यहाँ फल बेचने वाली भी कहने लगी कि देखो कन्हैया, तुम भी उसी प्रकार मेरी गोद में बैठ जाओ, मुझे माँ कह दो, मैं भी तुम्हें फल खिला दूंगी। अभी कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं, भैया तो बड़ी चतुर निकली, हाँ पता नहीं किस जाति की है, कहाँ से आई है, ना कोई कुल का ठिकाना, और चाहती है कि मैं इसकी गोद में बैठ जाऊँ। अरे मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, इतने नंद बड़े नंद भवन में रहता हूँ, और यदि किसी दास दासी ने देख लिया तो साक्षात मैया को शिकायत कर देगी, मैया ने जाकर देख लिया तो डंडे सारे पीठ पे पड़ेंगे। तो इसलिए मनी मन विचार कर रहे हैं क्या करूँ, फल खाने की भी इच्छा है। तो कृष्ण ने क्या किया, झट उसकी गोद में बैठे हैं, मैया मुझे फल दे दे, झट से बोला और तुरंत खड़े हो गए। जैसे ही कृष्ण की ये क्रिया बड़ी ही जल्दी हुई, लेकिन वो फल बेचने वाले को कृष्ण का जैसे स्पर्श प्राप्त हुआ, बड़े आनंदित हो गए, रोम रोम रोमांचित हो गया, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आनंद करने स्वरूप भगवान का यदि स्पर्श प्राप्त हो तो उसकी क्या गति नहीं होगी, आनंद से पूरा हृदय भर गया और सारे फल कृष्ण को अभी दे दिए। कृष्ण ने भी विनिमय में दो दाने जो गेहूं के लाए थे उसकी टोकरी में डाल दिए, टोकरी खाली हो गई, वो दो दाने लेकर अभी ये जा रही है। कृष्ण दर्शन से इतनी आनंदित हो गई है, कृष्ण कीर्तन करते करते और टोकरी माथे पे लेकर जा रही है। वापस जाते जाते क्या हुआ, टोकरी तो यद्यपि खाली थी लेकिन देख रही है धीरे 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 भार बढ़ता जा रहा है। मनी मन विचार कर रही है, मैंने तो सारे फल दे दिए थे, फिर ये वजन कैसे बढ़ रहा है,
नीचे अगर टोकरी उतार के देखी तो देखा टोकरी में हीरे जवाहरात अशर्फियां सोना चांदी से टोकरी भरी हुई थी। और मन ही मन विचार करने लगी, रोने लगी कि हे भगवान, आप क्यों मुझे ये जड़ जगत का पैसा देके वंचित कर रहे हो? अरे ये जड़ जगत का पैसा तो बंधन है इस संसार में, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें तो बंधन है, तो ये पैसा तो मैं चाहती ही नहीं। आपके दर्शन से जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ है, जो मेरी गति हुई है, ऐसा आनंद मुझे ये जड़ जगत का पैसा क्या देगा? मेरी गरीबी इसके आगे कुछ भी नहीं है। बस यही विचार करके उसने सारा पैसा यमुना जी में डाल दिया और इस तरफ कहां चली गई उसका अता पता ही नहीं। अर्थ क्या है? भगवान ने उसे अपने गौरव धाम में बुला लिया। कृष्ण दर्शन जिसको हो गया, कृष्ण स्पर्श यदि किसी को प्राप्त हुआ, साक्षात भगवत गति हुई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब पुनः वापस घर के अंदर आए हैं, सारी दास दासियां जो थी उन्होंने देख लिया था कृष्ण को बाहर जाते हुए। मैया से पहले ही शिकायत करती थी, उधर आकर बैठ जाओ, जाकर बैठ जाओ, आप लोग उधर से, हरी बोल, आप लोग उधर से इधर आकर बैठ जाओ, पीछे जाओ, माता जी थोड़ा पीछे हट जाओ, माता जो चेयर में बैठे हो तुलसी, अब पीछे चेयर पर एकदम पीछे सकल करके बैठो, पूरा पूरा, और पीछे बैठो। आप लोग थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, थोड़ी थोड़ी आ जाओ। आप बोलो बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर कृष्ण जब पुनः अंदर आए हैं, तब तक दासियों ने मैया यशोदा को शिकायत कर दी थी। बोले यशोदे, जानती हो आज क्या हुआ है? बोले क्या हुआ? बोले तेरे लाला, न जाने कौन से, एक लड़की आई थी, एक औरत आई थी, और जिसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं, फल बेच रही थी बाहर, उसकी गोद में बैठते और उसको माँ कह के आया है, और तो और उससे फल भी लेकर आया है। अरे जिन पता नहीं किस छोटी जाति की थी, उसके स्पर्श करा हुआ आज ही अपने घर तक ले आया। यहाँ पर मैया का नाम क्या है? यशोदा। यश जाती थी यशोदा। तो यहाँ मैया यशोदा कहने लगी है, अगर किसी को माँ कह दिया तो उसमें बुरा ही क्या है, उसमें बुरा ही क्या है? अरे ये मेरा लाला नहीं, ये तो पूरे ब्रजमंडल में सभी का लाला है, इसीलिए किसी को माँ कह दिया तो कोई ऐतराज नहीं। बस कृष्ण तो बड़े आनंदित हो गए, उन फल को अमन्य करके और ठाकुर को भोग लगाया, और सभी सखाओं के साथ में कृष्ण ने और मैया यशोदा नंद बाबा ने सभी ने आस्वादन किया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखो हमारे टीकाकार लोग बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, उनकी यही एक विशेष शैली है, स्वयं ही प्रश्न भी उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर भी देते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं कि भैया कृष्ण ने पहले दिन जब फल बेचने वाली आई उसको दर्शन नहीं किया, दूसरे दिन जब आई दूसरे दिन भी दर्शन नहीं दिया, तीसरे दिन जब आई तब जाकर कृष्ण ने दर्शन दिया। ऐसा क्यों? पहले दिन भैया दर्शन देना था तो फिर पहले दिन ही जाकर उसको दर्शन दे देते, उसके फलों का आस्वादन करते। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो ये पहले और दूसरे दिन जब कृष्ण के सखा लोगों ने फल आस्वादन किए, यहाँ पर शिक्षा क्या है कि भगवान की सेवा करने से पहले भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार कृष्ण ने तीसरे दिन आकर फल ग्रहण किए, लेकिन उससे पहले दो दिन कृष्ण के सखा आए, अर्थात भगवान के भक्तों को यदि तुम पहले संतुष्ट कर दोगे, भगवान के भक्तों की यदि सेवा कर दोगे, तो उससे भगवान खुश होकर बाद में तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे। हम लोगों ने देखो किसी को तो आज तक भगवान को देखा नहीं, किसी ने भगवान को देखा है? हमने किसी ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप हमारे श्री गुरुपाद पद में यहाँ पर विराजमान है, तो उन्हीं के ही दर्शन करके, उन्हीं की हरिकथा श्रवण करके जो हमें भगवत भजन की शिक्षा मिलती है, तो क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए? हरि गुरु, गुरु हरि की तो सेवा बाद में होगी, गुरु और वैष्णव की सेवा करके यदि हम उनको संतुष्ट कर दें तो उसके बाद में कभी जाकर भगवान हमारी सेवा ग्रहण करेंगे। इस लीला से चक्रवर्ती पाद कहते हैं यही शिक्षा है कि भगवान के भक्तों की पहले सेवा करो और भगवान भक्तों की सेवा करने के बाद में भगवान सेवा ग्रहण करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि फल बेचने वाली वो क्या है, उसने भगवान को स्वयं अर्पण किया, भगवान को देने आई है। तो कहते हैं जिस प्रकार उसकी उत्कंठा थी, यदि भगवत भजन करते करते यदि ऐसी तीव्र उत्कंठा हो, इसलिए बताया ना भक्ति के अलग अलग स्टेजेस है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इस तरह से अलग अलग स्टेज है। और जब भगवत भजन करते करते चित्त पूर्ण रूप में निर्मल हो जाता है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं और कृष्ण दर्शन ही एकमात्र प्रयोजन रह जाता है, उस समय पर भगवान दर्शन देते हैं।
ऐसा नहीं किसी प्रकार बस हाँ चल रहा है भजन के नाम पे चोला माला ना, किसी प्रकार से बस जो संख्या पूर्वक नाम है वो कर लिया, माला सटका ली और बस आराम से चल रहा है जीवन। नहीं भैया, या जब तक कहते हैं मंत्रेर साधन की बात शरीर पतन, जब तक ऐसी अवस्था नहीं हो जाए कि प्राण इस हलक में आ जाए, कृष्ण दर्शन की एकमात्र प्रयोजन रह जाए जीवन का, जब तक ऐसी अवस्था नहीं होगी तब तक भगवान दर्शन देने वाले नहीं है। इसलिए बता रहे हैं जिस प्रकार वो फल बेचने वाली उसकी कितनी तीव्र उत्कंठा थी, घर से संकल्प करके चली है कि आज यदि कृष्ण दर्शन ना मिला तो मैं प्राण ही नहीं रखूंगी, ऐसे दृढ़ संकल्प होके और कृष्ण प्रेम में कृष्ण कीर्तन करते हुए बावली होकर ये तक भी भूल गए कि फल बेचने जा रही हूँ, कृष्ण गोपाल गोविंद कृष्ण के नामों का कीर्तन करते करते पूर्ण पागल हो गए और जब कृष्ण दर्शन की उत्कंठा से कृष्ण भवन के पास आई है तब जाकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण ने लीलाएं करी है और लीला सुंदर लीलाओं के साथ साथ क्या है, इनमें शिक्षा भी है। तो हमारे लिए लीलाओं का आस्वादन तो ऐसा होता है लेकिन उनमें जो शिक्षा है वो मूल है। हम यदि शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। वांछा कल्पति रुद्रस्य कृपा सिंधु भेजे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। नवीन ब्रह्म जी है, नवीन ब्रह्म, नवीन ब्रह्म जी, नवीन ब्रह्म जी, हरे कृष्णा, नवीन ब्रह्म जी, हरे कृष्णा, नवीन ब्रह्म जी, नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत शिक्षक गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत वृंदावन से आए श्री पूज्यपाद राधारमण महाराज जी के चरणों में एवं ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव जन्म अष्टमी ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भगवान निरंतर समस्त श्रद्धालु जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण करते रहते हैं और कलयुग में विशेष दो अवतार हैं जो नित्य प्रति साधारण जीवों को भी अगर थोड़ी मात्र भी श्रद्धा होगी तो वो अवतार दर्शन देते हैं। वो अवतार हैं अर्चा विग्रह जो साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, पहला अर्चा विग्रह और दूसरा ये हरिनाम जो भी आपने गाया हरे कृष्णा माता रे अंदर में आ जा अपेक्षा ए बच्चों तो बोला अंदर में आके बैठिए थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाइए थोड़ा थोड़ा आगे आगे। तो
अर्चा विग्रह ये मूर्ति नहीं है, इसमें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विराजमान होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके पुरी में कहते हैं, हे ठाकुर आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। अर्थात जब मूर्ति मूर्ति होती है, जब कोई सद्गुरुदेव या भक्त उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता और उनको सेवा प्रदान नहीं करता, लेकिन वही मूर्ति अर्चा विग्रह हो जाती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठापित हो जाते हैं और ठाकुर जी सेवा ग्रहण करते हैं बड़े आनंद पूर्वक। इसीलिए ठाकुर जी का अर्चन पूजन इत्यादि सब कुछ स्वीकार होता है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म उत्सव तो महाराष्ट्र ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके पूर्वजों की कथा हम श्रवण करेंगे। मथुरा में दो राजा हुए, एक का नाम है शूरसेन और दूसरे का नाम है उग्रसेन। शूरसेन जो है देवमीड के पुत्र हैं, देवमीड के दो पुत्र हैं, एक शूरसेन दूसरे पर्जन्य महाराज, और आहुक के पुत्र उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र जो है कंस, जो कि कई बार महाराज ने कथा सुनाई है कि कंस की उत्पत्ति कैसे हुई। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती। पद्मावती एक बार जब अपने ननिहाल मायके गई हुई थी, तो वहां पर एक वन में विहार कर रही थी अपने सखियों के साथ। वहां पर आकाश मार्ग से द्रुमिल राजा द्रुमिल दैत्य वहां से जा रहा था। द्रुमिल ने देखा, अत्यंत सुंदरी पद्मावती को देख करके मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। वो जान गया ये पद्मावती उग्रसेन की पत्नी है, और इसका यदि मुझे संग करना है तो मुझे उग्रसेन का रूप धारण करना होगा। उस द्रुमिल राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण करके पद्मावती के समक्ष गए और पद्मावती ने कहा कि तुम यहां कैसे बिना सूचना दिए कैसे चले आए। तो उग्रसेन बना हुआ जो दैत्य द्रुमिल है वो कहने लगा, मैं देखने आया था कि मेरी सुंदरी कहां विचरण कर रही है। इस प्रकार से हास्य विनोद करते हुए उसका संग दिया द्रुमिल ने, और बाद में वह पहचान गई कि ये उग्रसेन नहीं, ये तो कोई असुर है, और उसके संग से ही ये कंस की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उसने कहा, तुम असुर हो और इस प्रकार से मुझे ठगा। तुमने कहा कि तुम्हारी जैसी स्त्रियां जो अपना कर्तव्य नहीं जानती और इधर उधर भ्रमण करती हैं, वो जानबूझ करके हमारे जैसे पुरुषों को आकर्षित करती है। इस प्रकार से द्रुमिल वहां से हंसता हुआ चला गया, और बाद में ये कंस महाअसुर प्रकट हुआ, जो पद्मावती का पुत्र और ब्राह्मणों वैष्णवों और गैयाओं का जो शत्रु बन करके इसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। ये कंस इतना दुष्ट था, इसने कहीं पर किसी प्रकार का भी यज्ञ या किसी प्रकार की पूजा अर्चना तक बंद करवा दी और अपने आप को ही जैसे हिरण्यकशिपु ने भगवान घोषित किया था ठीक इसी प्रकार से घोषणा कर दी थी। और उग्रसेन जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही भक्त स्वभाव के थे, उनको कारागार में डाल दिया। देखो दुष्ट कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया,
तो ये दृष्टा कंस की तरफ करता है। इधर शूरसेन के कई पुत्र थे जिनमें एक वसुदेव थे। वसुदेव का नाम एक आनक दंदु भी था। जब वसुदेव का जन्म हुआ तो आकाश में देवी देवताओं ने दुदुम्बिया बजाई थी और कहा, ऐसे महाभाग भागवत पुरुष जन्म ले रहे हैं जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं और हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए दुदुम्बी देवताओं की एक बाजा स्वरूप है उसको बजाया और बड़े प्रसन्न हुए। ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। कारण कहा, ये महाभाग है, इनके कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण होगा। बोलो वसुदेव महाराज की। थोड़ा धीरे धीरे, भीड़ ना होने दे, जिसको नीचे जाना धीरे धीरे नीचे चला जाए और नहीं तो अगर परिक्रमा करके इधर से दर्शन करने आ जाए। यहां शूरसेन और उग्रसेन का वर्णन मिलता है। ये दोनों ही मथुरा के महाराज हुए और उग्रसेन का छोटा भाई था जिसका नाम था देवक। देवक की कई पुत्रियां थी, उनमें से एक सबसे छोटी पुत्री का नाम था देवकी। देवकी का विवाह भी देवक और उग्रसेन की आज्ञा से श्री वसुदेव जी के साथ हुआ। अब यहां जो श्री कृष्ण भगवान का संबंध है वो देखा जाए तो शूरसेन से भी है और उग्रसेन से भी। शूरसेन तो उनके दादा हुए और उग्रसेन और देवक उनके नाना हुए। इस वजह से दोनों तरीके से दोनों पे कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होना स्वाभाविक था। जहां महाभागवत वसुदेव हो और जो देवकी जो मान मर्यादा सहित हमेशा भक्तिमान तरीके से निरंतर भगवान का भजन करती हो वहां निरंतर भगवान वास करते हैं। देखो वसुदेव का अर्थ क्या है, भजन करते करते एक ऐसी अवस्था जिसमें चित्त निर्मल हो जाता है, जिसमें सत्व शुद्ध बन जाता है। शुद्ध सत्व अवस्था को वसुदेव कहते हैं। इस प्रकृति में तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। तो यह सतोगुण भी इतना शुद्ध नहीं है इस प्रकृति का, इससे भी जो अत्यंत शुद्ध सत्व है उसे बोला जाता है शुद्ध सत्व। जब हमारा हृदय पूर्णतम निर्मल हो जाता है भजन करते करते तो अत्यंत शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है, वह अवस्था वसुदेव अवस्था है। और जब वसुदेव अवस्था हो जाती है तो वासुदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की। नीचे उतरे, पर नीचे उतरे वहां पर खड़े होने मत दो, वहां भीड़ क्यों हो गया, बोल तो नीचे उतरने के लिए। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 हरे। तो नीचे चले जाओ, जब तक कोई नहीं उतर आने की उसको मत दिया, नीचे एक व्यक्ति को जब इधर समाप्त हो जाए एक व्यक्ति प्रभु श्याम से धर्म के एकदम नीचे कोई व्यक्ति में बैठ दो, जैसे जब यहाँ चले जाए फिर दूसरों का आने दे, नहीं तो बीच में नीचे ऊपर होकर बीच में हो जाएंगे। जब नीचे चले जाए, जब एक याद चले जाए फिर दूसरे व्यक्ति को आने दे। शूरसेन जी उग्रसेन जी और एक राजा और थे जिनका नाम था कुंती भोज। ये सब आपस में गुरु भाई थे। ये भारद्वाज ऋषि के आश्रम में इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करी और वहां पर सुंदर शिक्षा ग्रहण करते हुए गुरु भाई होने के कारण इनका आपस में बहुत सुंदर संबंध था। जब ये थोड़े बड़े हुए तो यहाँ शूरसेन ने कहा, उनका नाम था प्रथा,
वो प्रथा को बड़े प्रेमवश कुंती भोज को प्रदान किया और कुंती भोज ने उनको जो स्वीकार किया और उसका लालन पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए। कुंती भोज का हुआ, बहुत दूर दूर से राजा महाराज इत्यादियों को बुलाया, बड़े बड़े राजा महाराज सेठ इत्यादि वहां पहुंचे और सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने पर यहाँ उग्रसेन का जो बड़ा बेटा कंस था वह इस देवकी को बहुत प्रेम करता था, वह इसे पुत्री के समान मानता था। तो उसने सोचा अब बारात जा रही है और जो वर का जो रथ है, वर का और कन्या का जो रथ है उसको मैं ही हांकते हुए अपने साम्राज्य की सीमा को पार मैं करा देता हूं। इतना प्रेम करता था अपनी बहन देवकी से, इसलिए कंस उस रथ का सारथी बना और सारथी बन करके जब चला तो जैसे ही साम्राज्य की सीमा आने ही वाली थी तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, जिसका रथ तू हांक रहा है उस देवकी के आठवें गर्भ से तेरी मृत्यु हो, अर्थात इसका आठवां पुत्र तेरे ही मृत्यु का कारण बनेगा। जब यह श्रवण किया कंस ने, असुर स्वभाव होने के कारण जो अभी घोड़ों की लगाम को चला रहा था जिन हाथों से, एकदम से छोड़ करके क्रोधित होकर के उसने देवकी के केशों को पकड़ लिया एक हाथ से। हरे कृष्णा, हरि बोल। माँ तो गेट में खड़े हुए, हरि बोल। पहले एक ब्याज को जाने दो, फिर नीचे ऊपर को आने देना। प्रभु जी वहां पर तुम खड़े किस लिए हो? नीचे उनको बोलो जब तक ये नहीं उतर जाए किसको आने नहीं दे। पहले तो एक ब्याज को उतरने दो, नीचे एक बार जाओ जाओ। राहुल का कोई काम नहीं, बेकार पहले एक ब्याज को जाने दे, उसको छोड़ेगा किसको? हो जाए नीचे, जब तक ये नहीं उतर जाए किसको आने नहीं। आप लोग नीचे चले जाओ, मुगन प्रभु आप नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ और ऊपर मत आने दो किसी को, जब तक नीचे ना चले जाए सब। प्रमोद प्रभु आप क्या किसी खड़े हो वहां पर? प्रमोद जी वहां से हट जाओ, रास्ता तो वहां जाने के लिए, वहां से हट जाओ। प्रमोद प्रभु वहां किसी खड़े हो, रास्ता बंद कर खड़े हो गए। प्रमोद जी, प्रमोद वहां खड़े मत हो, रास्ता तो आप आधार रुक दिया आपने, लोग जाएंगे कैसे आएंगे कैसे? प्रमोद जी वहां से हट जाओ, आप लोग प्रमोद जी को हटाओ वहां से, प्रमोद जी हटाओ वहां से, हटो वहां से, नीचे चले जाओ प्रमोद जी, नीचे चले जाओ, नीचे जाओ, नीचे भेज दो नीचे। जब तक कोई नहीं ले चल जाए था रास्ता में, तो आप ही आधा रास्ता को रोक दीजिए। बोलो बोलो, एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा सुमित, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। तो जब आकाशवाणी सुनी कंस ने, एक हाथ से जो लगाम चला रहा था घोड़ों की, कंस लगाम को छोड़ करके उसने देवकी के केशों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार निकाल ली और उसको मारने के लिए उद्धत हुआ। यहाँ वसुदेव देख करके बड़े हतप्रभ हो गए और सोचने लगे ये इतना बलवान है, इसने पूरे विश्व में दिग्विजय प्राप्त की हुई है, समस्त असुरों को अपने अधीन कर रखा है, समस्त राजा महाराजा इसके अधीन है, इसको बल से जीता नहीं जा सकता। लेकिन वसुदेव बहुत ज्यादा विवेकवान थे तो उन्होंने सोचा कि साम दान दंड भेद की नीति में से किस हिसाब से इसको समझाया जाए जिससे कि ये देवकी का वध ना करे। साम और भेद इस पर उपयोग करते हैं और दान और दंड इस पर लागू नहीं होते। साम मतलब होता है समझाना, दान मतलब उसको पैसे देकर के खुश करके उसको समझाना, और दंड दंड मतलब अपना भय दिखा करके उसको दंड दे करके उसको समझाना, और भेद मतलब
थोड़ा चुप, शांति शांति। धन मतलब उसको दंड दिखा करके डराना, और भेद मतलब इस लोक या दूसरे परलोक का भय दिखाते हुए भेद दिखाना। तो यहां पर वसुदेव जी ने सोचा कि साम और भेद के द्वारा ही इसको समझाया जा सकता है, दान और दंड इस पर लागू नहीं होंगे। क्योंकि दान इसको कैसे करेंगे, ये तो राजाओं का भी राजा है, इसके पास समस्त प्रकार का धन है, और दंड इसको हम दे नहीं सकते क्योंकि ये महाबलवान है, इसने अनेकों अनेक महाराज अपने अधीन किए हुए हैं, अनेकों अनेक असुर इसने भी अधीन किए हुए हैं। इस प्रकार से सोच रहा था, सोच रहे थे वसुदेव जी। फिर इतना भय कंस को जो मृत्यु का था उसको जान करके वसुदेव बड़े धैर्यवान होकर के ऐसी परिस्थिति में भी धैर्यता दिखाना महापुरुष वसुदेव ही कर सकते हैं। उन्होंने उनको कहा, हे कंस, ये क्या करते हो, ये तुम्हारी बहन है। सर्वप्रथम उन्होंने संबंध बताया कि इसको संबंध के द्वारा बांधता हूं कि ये तो तुम्हारी चचेरी बहन है, तुम इसको यदि मार दोगे तो तुम अभ्यष्ट को प्राप्त होगे। उसके बाद जो तुम्हें अभ्यष्ट मिलेगा उससे तुम्हारे लाभ ना होकर के हानि होगी। दूसरा ये बताया कि लाभ नहीं होगा, तुम्हारा जो यश है वो इतना ज्यादा है चारों ओर सब तुम्हारे यश से भयभीत है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी क्षत्रिय और ब्राह्मण और जितने वर्ण है उनमें सबको किसी ब्राह्मण या स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण और स्त्री की हत्या कर दी तो निश्चित तौर से तुम्हारा यश घटेगा, और यश यदि तुम्हारा घटा तो लाभ की जगह हानि होगी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? तो लाभ की जगह हानि होगी। इस प्रकार से नाना प्रकार से वसुदेव उनको समझा रहे हैं कि देखो ये तो तुम्हारी बहन है, इसको तुमने बड़े लाड़ से पाला है, इसको तुमने अपनी पुत्री के समान इसको पाला है, तो तुम इस प्रकार से ऐसा कदापि ना होने दो। और तीसरा, ये जो उत्सव है ये विवाह उत्सव है, देश विदेश से महान महान राजा संबंधित इत्यादि आए हुए हैं, उनके सामने यदि ऐसा कुकृत्य तुमने कर दिया, अपनी छोटी बहन को यदि तुमने मार दिया, तो निश्चित तौर से चारों ओर तुम्हारा निंदा होगा, और ये जो विवाह का उत्सव है ये बड़ा ही कुरूप हो जाएगा। इतना सुंदर उत्सव मन रहा है, उसको हम लोगों को मिलकर के उत्सव स्वरूप ही बनाना चाहिए, ना कि नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से समझा रहे वसुदेव। धीरे धीरे जो अभी असुर कंस का पारा आसमान को छू रहा था, धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है। वसुदेव बड़े ही सुंदर तरीके से उसको समझा रहे। उसके बाद उन्होंने शाम के बाद भेद रीति, भेद रीति क्या है कि देखो तुम जो है मृत्यु के भय से भयभीत हो। याद रखो जो भी देहधारी जीव है निश्चित तौर से मृत्यु है, मृत्यु अवश्यम भावी है, उसको कोई जीत नहीं सका। यदि इतिहास जाके देखें तो हिरण्यकशिपु जैसे महान महान असुर जिन्होंने बड़े बड़े वर लिए वो भी मृत्यु को जीत नहीं पाए। तो तुम इस बात से तो भूल जाओ कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। हाँ, ये बात सत्य है कि तुम यदि अपनी छोटी बहन को मार भी दोगे तो थोड़े समय के लिए मृत्यु से बच जाओगे, लेकिन किसको क्या पता कब किसकी मृत्यु आ जाए। पता चला अगले ही दिन किसी और कारण से तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो उससे क्या लाभ है तुम्हें। इस तरीके से भेद रीति समझा रहे हैं। और उसके बाद यदि किसी स्त्री का वध कोई क्षत्रिय करता है तो निश्चित तौर से यमालय जाएगा, यमराज के लोक को जाएगा, और वहां नरक जितने भी प्रकार के नरक उनको भोगेगा।
तो यहाँ पर भी इस लोक में भी निंदा और अपयश का भागीदार बनेगा, और दूसरा जो परलोक है वो नरक लोक मिलेगा, भगवान का लोक नहीं मिलेगा, और वहां पर नाना प्रकार की यातनाएं मिलेंगी। मृत्यु से तुम भयभीत हो रहे हो, तुम तो बहुत बड़े वीर हो, इतने बड़े वीर होकर के तुम मृत्यु से भयभीत होते हो। देखो यहां पर इस संसार में कोई भी जीव बिना शरीर के रह नहीं सकता। जिस प्रकार से जो भरती है, जो आगे के पैर उठाती है तब पीछे के छोड़ती है, जब आगे किसी और पत्ते या किसी डाल पर लगा लेती है आगे के पैर तब पीछे के पैर उठाती है, ठीक इसी प्रकार से देहधारी जीव भी अपना शरीर तब त्यागता है जब उसका अगला नया शरीर प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्त करता है और तत्क्षणात पुराना शरीर को त्यागता है। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण बताया, जैसे हम पैदल चलते हैं, मनुष्य पैदल चलता है, एक पैर आगे बढ़ाता है, दूसरा कब छोड़ता है, जब पहला स्थिर हो जाता है तब दूसरा छोड़कर आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से समस्त जीवों की मृत्यु और कुछ नहीं है, एकमात्र देह का परिवर्तन है, जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। तुम क्यों भयभीत होते हो? इस प्रकार से वसुदेव ने बहुत सुंदर सुंदर तर्कों से, सुंदर सुंदर उदाहरणों से कंस को समझाना प्रारंभ रखा, और फिर आखिर में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा तक कर डाली। क्या प्रतिज्ञा की? देखो वसुदेव, देखो कंस, वसुदेव कह रहे हैं देखो कंस, तुम्हें चिंता किस बात से? तुम्हें आकाशवाणी हुई है कि देवकी का आठवां गर्भ अर्थात आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा, तो भी तुमने चिंता की? क्या बात है? अभी देवकी का तो इसमें कोई दोष नहीं, देवकी को क्यों मारे हो, और सात पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। जब आठवां पुत्र होगा तो मैं स्वयं तुम्हें ला करके दे दूंगा, और छोड़ो आठवां पुत्र की भी बात, मैं समस्त पुत्रों को ला करके तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम देवकी को ना मार करके उन पुत्रों की हत्या कर देना, चाहे तुम कुछ भी करना। ये बात जो है कंस को समझ में आई, कहा वसुदेव जो है इनका एक नाम सत्य प्रतिज्ञा, जो एक बार सत्य प्रतिज्ञा की वो निश्चित तौर से उन्होंने निभाई, क्योंकि कंस जानते थे वसुदेव का आचरण, जो हमेशा सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये मानकर के उन्होंने स्वीकार किया, अपने क्रोध को शांत किया कंस ने, और देवकी और वसुदेव को पुनः जाने दिया। जब उनकी प्रथम संतान हुई उसको वसुदेव ने ले जाकर के कंस को दिया तो कंस बड़ा आनंदित हुआ। कंस ने कहा वसुदेव जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने सारी बात सत्य सत्य कही, आज यदि उस समय आप मुझे ये बातें ना कहते तो निश्चित तौर से मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो जाता, अपनी चचेरी बहन को मैं मार देता, और देखो ये अभी जो बालक हुआ है, ये नवजात शिशु मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा क्या शत्रु है, मुझे तो आठवें पुत्र से भय है, इसको आप पुणे ले जाइए। देखो असुर के अंदर भी बड़े सुंदर गुण ये वसुदेव जी के कारण आए, वसुदेव जी ने जब ये श्रवण किया बड़े प्रसन्न होकर के बड़ी जल्दी जल्दी नवजात शिशु को पुनः लौट करके अपने घर की ओर आ रहे हैं कि यह असुर है, जाने कब पलट जाए और कब मेरे शिशु का वध कर दे, उसको लाने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी आ गए, नारद जी के हाथ में एक कमल का पुष्प है और कमल के पुष्प पर आठ पंखुड़ियां हैं, उनको ले जाकर के जो है कंस के पास बैठे, कंस ने उनका आदर सत्कार किया, कहा गुरु जी आइए विराजमान होइए, उनको आसन दिया और बड़े सुंदर तरीके से उनकी पूजा अर्चना की, और बैठा करके उनसे पूछा
आइए, आपका स्वागत है, आने का कारण बताइए। हरे कृष्ण। नारद जी ने कहा, देखो तुम देवताओं की भाषाओं को नहीं जानते, देवता बहुत ज्यादा चतुर है, तुम्हें मृत्यु को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, इनकी बातों को तुम क्या जानो, इनका प्रथम कौन सा है, आठवां कौन सा है, तुम क्या जानो। ये पुष्प देख रहे हो, इसमें आठ पत्तियां हैं, और इसमें पहली पत्ती कौन सी है और आठवीं कौन सी, तुम बता सकते हो। पहली को यदि हम इस पत्ती को कहें तो आठवीं ये होगी, अब दूसरी को दूसरी से हम पहली करके गिने तो आठवीं दूसरी हो जाती है। ऐसे पता नहीं चलता कि कमल के पुष्प के जो पत्ते हैं पहला कौन सा और आठवां कौन सा, सभी के सभी आठवें हो सकते हैं। इसलिए तुम देखो किस प्रकार से तुम्हें क्या करना है। तो उसने बोला कि ये इसका मतलब ये आठवां पुत्र भी हो सकता है, कोई भी पुत्र इसका आठवां पुत्र हो सकता है। भाई मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरा कार्य तो समझाना, अब मैं क्या करूं गुरुदेव, क्या मैं सबको मार दूं। तो नारद जी ने बोला देखो ये मेरा कर्तव्य नहीं है ये सब बताने का, तुम और तुम्हारा काम तुम देखो, तुम्हारा काम जानो। ये कहकर के नारद जी वहां से गए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, नारद जी महान संत और वो इस प्रकार से प्रेरणा दे करके कंस को क्यों आए, क्यों उन्होंने सात पुत्रों की छह पुत्रों की जो है हत्या करने के लिए प्रेरणा दी कंस को। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि की कथा आती है शास्त्रों में। मरीचि के आठ पुत्र थे, छह पुत्र थे, जो कि यही पुत्र जो कंस ने मारे, वो मरीचि के पुत्र एक बार बैठे थे और ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का एक कन्या का सृष्टि किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी, इतनी सौंदर्यपूर्ण थी कि उसको देख करके ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए और मोहित होकर के उस कन्या के पीछे दौड़े। तो यहाँ मरीचि के पुत्र जो छह पुत्र थे ब्रह्मा जी को देख करके हंसने लगे और कहा देखो देखो ब्रह्मा अपनी ही कन्या के पीछे दौड़ रहा है, इस प्रकार से कहने लगे। देखो महापुरुषों की और भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं बड़े ही दूर होते हैं, उसमें कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य छुपा होता है। तो भी ये जानते नहीं थे, ये खिलखिला के हंस रहे थे, बहुत बुरा लगा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि देखो तुम पिता और कन्या या पिता पुत्र का संबंध समझते नहीं हो, जाओ तुम्हें अपने ही पिता के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। ये कहा। तो बाद में ये लोग जो है हिरण्याक्ष के पुत्र बने और इस तरीके से इनको जो श्राप मिला तो ये गिड़गिड़ाए। तो इन्होंने कहा चिंता नहीं करो, भगवान श्री कृष्ण के कारण ही तुम्हारा जो उद्धार होगा, बार बार जन्म और मरण से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ब्रह्मा जी ने इनको आश्वासन दिया। तो उस श्राप को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ये छह के छह भले ही असुर स्वभाव के पिता के बच्चे होते हुए भी, परंतु ये वैष्णव थे अर्थात विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे, इस वजह से नारद जी ने कृपा करने हेतु कि ये पूर्ण तरीके से भगवान के लिए हमेशा भक्ति में संलग्न रहते हैं और ये पुनः जन्म लेंगे, फिर कई प्रकार के तापों को सहन करेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, इससे अच्छा है इनको झट से खत्म हो और झट से जो श्राप मिला है वह पूर्ण हो, मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः भगवान के धाम को चले जाए। Hello.
जय बोला कोई चीज की जरूरत होते हैं ये हर तरह से होता है। जो भक्ति है बड़े भक्तानी है, वो माला करती है, कल में कंटी तिलक लगाती है और वो भक्ति में जुड़ी हुई, ईश्वर से जुड़ी हुई और ये भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो सब आशीर्वाद दो, जैसे हर साल ये चेयरमैन बने और ऐसे ही ठाकुर जी को सेवा में मेरी Yeah.
लोगों का भी है, लेकिन भ्रत का मतलब ये नहीं हम चुपचाप बैठे रहेंगे। आप लोग दूर के वजह में नहीं नाच रहे, दादा पाक लगानी बजने में ठेकाना बजा रहा है। सभी घर खड़े हो जाते तेरी बंसी में, तेरी बंसी में, तेरी बंसी में जाओ बलिहार नसिया। Thank you.
Thank you.
बिहारी लाल की जय। आज के आनंद में दो चेयर दे दो बच्चों के लिए ना, और एक चेयर दे दो वो तो पीछे बच्चियों चेयर पे, और एक चेयर और दे दो तो इधर आ जाओ रोहित, और एक चेयर और दे दो। सर्वदा अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अरह चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हृदय की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अरह चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हृदय की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्य पाद राधा रमन बाबा जी महाराज एवं अन्य अन्य वैष्णव गण वैष्णवियों गण हरि कथा के पासु सभी श्रोत मंडली विशेषकर जन्माष्टमी मनाने आए सभी भक्त गणों को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही हरे कृष्णा, पीछे दरवाजे को बंद कर दे भैया, हरि बोल हरि बोल, पीछे दरवाजे को बंद कर दे। आज बहुत ही शुभ तिथि है। क्या तिथि है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हुआ क्या था इस दिन? क्या हुआ था इस दिन? कृष्ण ने क्या लिया? कहा मिक्सिंग आ रही है कहा? ये कह रहे मथुरा, कौन इनके साथ है? अरे हैं बहुत सारे, कोई और जगह भी हो सकता है जन्म? कहा हुआ? गोकुल में। प्रभु कहा हुआ? गोकुल में। हमारे गुरुदेव गोकुल जाके ये कथा सुनाते थे और साफ साफ कहते थे इन पंडों की बातों में मत आना, इन पंडों को मथुरा की हवा लग गई है इसलिए इनके मुंह से मथुरा मथुरा निकल रहा है कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में। कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, कृष्ण तो केवल प्रकट हुए मथुरा में, चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ से बता रहे हैं? गोपी गीत से। जयति तेदिकम जन्म ना व्रज, व्रज में जन्म हुआ है, गोकुल में जन्म हुआ है। ऐसे हमारे शिला गुरुदेव मथुरा के पंडों के सामने, मथुरा के बड़े बड़े विद्वानों के सामने क्या बोलते थे उच्च स्वर में कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? अब तो सारे मिलके बोलते गोकुल में। गोकुल में जन्म तो हुआ, पर एक तरफ हम सिद्धांत सुनते हैं इन्हीं वैष्णव गणों गुरु वर्गों से कि भगवान अजन्मा है। क्या है? अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता। अरे एक तरफ आप कहते हैं कि कृष्ण का जन्म नहीं होता और दूसरी तरफ ये जन्म ले रहे हैं, ये कुछ समझ में आया? तो यही गुरु वर्ग बड़े प्रेम से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि देखो इस बात को अच्छे से समझो, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, पहले उदाहरण सुन लेते हैं जल्दी समझ में आता है। एक स्त्री है या एक पुरुष है, पड़ोसी का बच्चा छोटा सा देखता है, थोड़ी देर में गोदी में उठाता है, कुछ काटता है, खेलता है और छोड़ देता है। वो रोए, उसे बाद में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको टेंशन होगी? टेंशन होगी? छोटा बच्चा है भाई, टेंशन होनी चाहिए, पर होती नहीं। क्यों? उस बच्चे के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है ना। और जैसे ही अपना बच्चा जन्म ले जाए, जैसे ही अपना बच्चा जन्म ले, उसी स्त्री को अपना बच्चा हो जाए या उस पुरुष को उसका बेटा हो जाए,
फिर देखो कैसे टेंशन हो गई, ऑफिस में भी बैठा होगा फोन करके, तूने ढंग से खिलाया उसको, ढंग से कुछ मिलाया, अरे ठंड का मौसम है क्या कपड़े पहनाए हैं उसको, इस प्रकार से बड़ी चिंता करते हैं इस जागतिक जगत में। तो भगवान ने देखा क्या कि जब मैं जन्म लूंगा, जब इनके साथ संबंध बनाऊंगा, अपने नित्य धाम में नित्य लीला कर रहे हैं, अपने प्रिय जनों के साथ वो लीलाएं कर रहे हैं, परंतु क्या जब इस धरा धाम में आऊंगा और जब जन्म लेके ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करूंगा, कैसी लीला जो हमने पूर्व वक्ताओं से प्रभुओं से सुनी भी, क्या कर रहे हैं, माताओं के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, सखाओं के साथ साख्य रस का, अपने दासों को दास्य रस का आस्वादन करा रहे हैं, और ब्रज गोपिकाएं जो उनकी प्रेमिकाएं हैं उनके साथ मधुर रस का आस्वादन करा रहे हैं। क्यों वो आते हैं उस नित्य धाम से, यहाँ जन्म लेते हैं और ऐसी ऐसी मधुर लीला करते हैं, इसलिए उनका जन्म का कारण क्या है वो स्वयं बता रहे हैं। किसमें बताया? श्रीमद् भगवत गीता में। दो श्लोक महाभारत से पहले चलते थे ना टीवी पे, कौन से? यदा यदा विदर्भस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य। बोलिए बोलो सारे पंडित, बोलो बोलो बोलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम ये श्लोक सुनते आ रहे हैं और इसका जो सार रूप में जो मधुर जो अर्थ हम गुरु वर्गों से सुनते हैं वो थोड़ा सा एक बार समझने की चेष्टा करेंगे। जो मुख्य रूप से देखो समझना पड़ेगा, भगवान तो कहां दे सार रूप में जन्म के कारण, तो क्या बोल रहे हैं कि देखो एक तो है जन्म क्यों ले रहे हैं और ऐसे ऐसे कुछ कारण ये भी हैं जिन कारणों को पृष्ठभूमि आधार बना के उन्होंने अपनी अवतार लीला या जन्म लीला करी। तो मुख्य रूप से अगर हम उन जन्म के कारणों को उठाएं और सार में करें तो केवल दो कारण बनते हैं, केवल दो कारण। इन दोनों श्लोक को अगर हम निचोड़ें तो क्या दो कारण आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। बस ये दो ही चीजें, सब सारी लीलाएं सब कुछ इन्हीं दो में आ जाएंगी। क्या या तो होगा परित्राणाय साधुनाम या फिर क्या होगा विनाशाय च दुष्कृतम्। क्यों? क्योंकि इन दोनों को करते हुए ही वो क्या करेंगे धर्म की स्थापना करते हैं। तो जैसे क्या है परित्राणाय साधुनाम, ये क्या कारण है? ये वो कारण है जिसमें भगवान अपने भक्तों पे अपने साधकों पे क्या करने के लिए कृपा करने के लिए उन्हें प्रेम प्रदान करने के लिए वो क्या करते हैं ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतम् में क्या करते हैं दो चीजें, विनाशाय च दुष्कृतम् में भी दो चीजें, एक उन दुष्टों का विनाश करते हैं जो उनके भक्त या उनके अगेंस्ट हैं, जैसे हो गए असुर, और दूसरी चीज क्या करते हैं अपने ही भक्तों में अपने ही साधकों में अगर कुछ बुरे गुण रह गए हैं, कुछ बुरे गुण रह गए हैं, कुछ अधार्मिक गुण रह गए हैं तो उनका भी वो विनाश करते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हीं दोनों में आते हैं। जैसे कि अब अगर हम
कृष्ण लीला देखें या राम लीला देखें, इनमें देखेंगे तो क्या किया उन्होंने, क्या किया आए तो मुख्य रूप से क्या किया, एक ही लीला में वो क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं, अपने भक्तों पे कृपा कर रहे हैं। रामलीला में देखो क्या कर रहे हैं, चले हैं रावण को मारने, पर वो रावण भी तो कौन है, अपना ही परिकर है। क्यों? क्योंकि हमने महाराज श्री से सुना कि एक लीला हुई जब जय विजय को क्या मिला, श्राप मिला, और उसी श्राप के कारण वो जय विजय इस त्रेता युग में क्या बन के आए हैं, रावण और कुंभकर्ण। तो क्या किया, असुरों का नाश तो करा ही करा, पर साथ ही साथ में अपने भक्तों का कल्याण किया, परित्राणाय साधुना। तो हम यही देख रहे हैं कि भगवान जन्म किसके ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों पढ़लों को भी देखें, क्या परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, तो उसमें भी देखते हैं कि ये स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है, विनाशाय च दुष्कृताम तो अपने छोटे छोटे अवतारों और अपने अंशों से करवा सकते हैं, अरे देवी देवताओं से भी करवा सकते हैं, पर परित्राणाय साधु नाम के लिए ना खुद आना पड़ा। तो क्या है, परित्राणाय साधु नाम वाला पड़ला भारी हो गया। तो भगवान को जो भगवान बनाता है, हालांकि प्रभु जी ने बताया हमें कि भगवान शब्द की परिभाषाएं हैं जिनमें छह ऐश्वर्य हैं, परंतु भगवान में एक ऐसा विशेष गुण है जो भगवान को भगवान बनाता है, वो क्या है, भक्त वात्सल्य। क्या है, भक्त वात्सल्य है भगवान, अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस गुण के कारण ही वो क्या कर रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम बार बार आ रहे हैं। रामलीला में क्या किया, अहिल्या का उद्धार कर रहे हैं, केवट का उद्धार कर रहे हैं, अपने कितने भक्तों को क्या कर रहे हैं, भक्ति प्रदान कर रहे हैं, नैमि शरण्य में जा रहे हैं। देखो भगवान वनवास काट रहे हैं, स्वयं कष्ट ले रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों को अपने साधकों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए भगवान जन्म लेते हैं। वही श्री कृष्ण लीला में देखो क्या कर रहे हैं, उन ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, उन ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, उन मथुरा वासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, द्वारका वासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अरे हस्तिनापुर वासी उन पांडवों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई, इन लीलाओं में थोड़ी सी कमी रह गई, क्या थोड़ा सा दोष लग गया, थोड़ा सा हम देख रहे हैं क्या दोष लग गया, अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। हाँ भाई, कृष्ण जी बड़े चलाक हो, राम जी बड़े चलाक हो, आप सब बड़े चलाक हो, क्यों, अपने परिकर खुद लाते हो, उनके साथ लीलाएं करते हो और वापस चले जाते हो, इसमें हमारा क्या हुआ, कोई हमारा कुछ हुआ, सुदाम के साथ खेल रहे हैं, मधुमंगल के साथ खेल रहे हैं, हमें से किसी के साथ खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, फिर वही कृष्ण, वही कृष्ण क्या, कौन है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण कौन है, करुणा सिंधु, और हमारी राधा रानी कौन है, करुणामयी, ये दोनों मिल गए, करुणा सागर और एक करुणा महासागर, जब दोनों मिल गए तो क्या हो गए, महावदान्याय, क्या हुए, महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक, वही कृष्ण राधा रानी के भाव को, राधा रानी की अंग कांति को लेके इस कलयुग में आ गया, किसके लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, क्या महाप्रभु आ गए, ये महाप्रभु आए, कौन है ये महाप्रभु, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है, ये महाप्रभु आ गए देखो कलयुग में, और क्या कह रहे हैं, अरे पहले जो मैं अपने परिजनों के साथ लीला करके गया, प्रेम का आदान प्रदान करने गया, अब लो तुम प्रेम लो, लो तुम प्रेम बोलो, लो तुम प्रेम लो, और क्या कर रहे हैं, अपने उन सभी परिकरों को भी बुला लिया,
कि अब हम आपस में प्रेम आस्वादन नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, उस प्रेम का वितरण करेंगे। उनके सारे वही परिकर, उनकी सखियां राधा रानी की, राधा रानी की मंजरियां सब एक एक रूप लेकर आ गई हैं, और देखो वो आना जाना आज तक लगा हुआ है, वो आना जाना आज तक लगा हुआ है। किसके लिए, समझना इस बात को, हम सब के लिए, मेरे लिए। भगवान जन्म ले रहे हैं, भगवान के परिकर जन्म ले रहे हैं, किस लिए, अरे इस बात को पहचानो। हम यहाँ कष्ट में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमें धाम वापस ले जाने आए हैं कि अरे ओ जीव, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांदेर बोले, कि महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु के ये परिकर बोल रहे हैं, अरे जीव जाग जा, जाग जा। ये तो जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, क्या है, जगा रहे हैं, जगा रहे हैं, कीर्तन करा करा के, हरि नाम करा करा के, कि जाग जाओ, जाग जाओ। इस संसार में कुछ भी मेरा अपना नहीं है, सब पराया है, यही छोड़ जाएंगे। जिन पे बड़ा प्रेम कर रहे हो, यही इसी शरीर को फूंक के आएंगे, समझो इन बातों को। तो अपना वो जो प्रेम आसक्ति है, वो क्या करें हम, वो कृष्ण लीला में भगवान करके दिखा रहे हैं। क्या भगवान से अभी 8 दिन पहले कौन आए थे, बलराम जी, कौन आए, बलराम, अरे जोर से बोलो, बलराम जी, बलदेव प्रभु, कौन है, अखंड गुरु तत्व। उस लीला में क्या दिखा रहे हैं प्रभु, कि मैं जन्म लूंगा, क्या कह रहे हैं कृष्ण, क्या दिखा रहे हैं, कि मैं अवश्य जन्म लूंगा, पहले लेकिन जिस हृदय में, मैं उस हृदय में पक्का जन्म लूंगा, उस जीव के हृदय में पक्का जन्म लूंगा, परंतु पहले उस हृदय में गुरु जन्म होना चाहिए ही चाहिए। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि बड़े मुश्किल से, आपको क्या याद है कि ऐसे क्या पुण्य कर्म करें जो मनुष्य शरीर बना के बैठे हैं हम, हमें मनुष्य शरीर मिला, कुछ याद है, क्यों मिला है, नहीं याद, नहीं याद, सिंपल सी बात। भगवान कह रहे हैं अरे तुम्हें नहीं याद है, बड़ी जो आसानी से मिल गया ना, ये बड़ा दुर्लभ था, परंतु अब तुम्हें मिल गया है, तो क्या करें, इस हृदय में पहले ऐसे सदगुरु का आविर्भाव करें। जब सदगुरु आविर्भाव हो जाएगा, जब बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ, उसके बाद ही तो कृष्ण का आविर्भाव होगा। तो जिस दिन मेरा ये हृदय, मेरा ये तन, मेरा ये मन, सबसे बड़ा मेरा ये अहंकार, मेरा ये मैं, जिस दिन गुरु चरणों में लग गया, पूरी तरीके से सदगुरु चरणों में समर्पित हो गया, याद रखना कृष्ण बस आने ही वाले हैं, कृष्ण बस आने ही वाले हैं। तो अब मेरे जैसा साधक, मैं तो अपनी बुद्धि से बोलूंगा और अपने अधिकार से बोल रहा हूं, कि मुझे कृष्ण जन्म की ललक नहीं, सही बोलते, मुझे बस ये है किस प्रकार से इस हृदय में इन गुरु वर्गों का आविर्भूत हो जाए, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जो उपदेश हैं, किस प्रकार से वो इस हृदय में रम जाए, ये हृदय उनमें रम जाए, और उसी का आचरण करते हुए ये जीवन निकाल दे। देखो, अगर हम अपने आचार्यों का, गुरु वर्गों का साधन देखें, कैसा साधन है, 3-3 लाख नाम जप कर रहे हैं, अरे हमारे गोस्वामी गण एक एक वैष्णव को याद करके दंडवत प्रणाम करते हैं रोज, करते थे रोज, कैसे, जैसे श्री रूप गोस्वामी की जय, दंडवत प्रणाम, फिर खड़े हुए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, फिर दंडवत हुए, फिर खड़े, ऐसे ऐसे 1000 दंडवत रोज के करते थे, परिक्रमाएं करते थे धाम की रोज, खाते क्या थे, जरा जरा सा कुछ खा लिया। और यहाँ मेरे जैसे ने जो आज फास्ट रखा हुआ है ना, मैं तो बार बार घड़ी देख रहा हूँ, 12 बज जाए, जरा चट्टामृत मिल जाए और किसी तरीके से थोड़ी चैन की सांस ले। तो मैं अपनी बात सोच रहा हूँ, मेरे जैसा साधक कृष्ण जन्म करा लेगा अपने हृदय में, वो आचार्य गण
ऐसा साधन करके दिखा रहे हैं और मैं उनके चरणों की धूल के पास भी नहीं पहुंच पा रहा और मैं अहंकार में सोच के आया हूं मैं कृष्ण जन्म करा लूंगा अपने हृदय करा सकता हूं नहीं ना बड़ा मुश्किल लग रहा है पर बड़ा आसान तरीका भी है क्या अभी तो बताया था क्या अपने हृदय में कृष्ण जन्म की कृष्ण आविर्भूत की चेष्टा नहीं करनी क्या करनी है श्री सद्गुरु महाराज किसी प्रकार से मेरे हृदय में एक बार विराजमान हो जाएं इनके उपदेश निर्देश को किसी तरीके से मैं समर्पित हो जाऊं तो क्या होगा वो कृष्ण अपने आप आ जाएंगे जैसे जैसे एक छोटा सा बच्चा है खेल रहा है बाहर हाँ कभी नाली में गिरता है कभी मिट्टी में कूदता कभी कुछ हो जाता है एकदम गंदा संदा हो गया कैसा हो गया बिल्कुल गंदा अब उसके पापा ऑफिस से आए पापा देखते हैं ठीक ये तो मेरा बच्चा नहीं है अधिकतर ऐसा ही होता है अब माँ क्या करेगी माँ भी है कहेगी ठीक मेरा बच्चा नहीं है बस नहीं माँ क्या करती है उठाती है क्या करती है बाथरूम ले जाती है गुनगुने पानी से नहलाती है जॉनसन बेबी साबुन जॉनसन बेबी शैम्पू जॉनसन बेबी पाउडर डाइपर लगा लोगों के तैयार कर देती है अब वो बच्चा जब चमकता हुआ सा हाँ एकदम खिलखिलाता हुआ सा बैठा हुआ है तब पिता क्या करता है भागता हुआ था अरे मेरा बेटा करता है नहीं करता है हो सकते हैं ऐसे पिता भी होंगे जो उल्टा होगा घर में पर होता है नहीं होता किसी प्रकार से सोचो मैं जीव कैसा हूं अपने अंदर झांकू मैं मेरे अंदर गंदगी के नाले बह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभी पूछूंगा ना किसी के अंदर है सब कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी हमारे अंदर नहीं है पर हम सब जानते हैं कि कितना हमारे अंदर है तो क्या करें अरे हमने यही सुना है कि ये गुरुवर्ग करोड़ों करोड़ों माओं से भी ज्यादा ममता लिए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं अरे तू मेरा ही बच्चा है आ जा और मैं सोच रहा हूँ हाय हाय मैं तो गंदा मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा नहीं मुझे क्या करना है माँ के पास दौड़ते हुए जाना है यही क्या करेंगे यही मुझे उन सिद्धांतों से हरी कथाओं से हरी कीर्तनों से निला निला के चमका देंगे और फिर क्या होगा कृष्ण अपने आप भागते हुए आएंगे और हमें गोद में उठा लेंगे हमें कृष्ण को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा तो सिंपल सा तरीका बता रहे हैं क्या सदगुरु चरण आश्रय कर लो कृष्ण अपने आप आ जाए ठीक है ना बात समझ में आई क्या बोला नींद आ रही है जोर से बोलो अच्छा खाया पिया नहीं ना आवाज नहीं आ रही सदगुरु आश्रय कर लो तन मन वचन से इनको समर्पित हो जाओ कृष्ण आविर्भूत अपने आप हो जाएंगे एक छोटी सी लीला सुन लो बस इसके बाद ऐसा तो समय बहुत रहा आज हमारे पास ठीक है ना आज महाराज जी भी नहीं देख रहे या बोल रहे कि रुक 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 कृपा हो रही है बस दो मिनट और देखो वही कृष्ण अब समझना कि महाप्रभु आए तो हैं पर देखो कितनी वदान्यताएं हैं कितनी करुणा है उनके अंदर क्या वो जो पवित्रा नाम है साधु नाम है अपने भक्तों पे अपने साधकों पे कृपा करने के लिए कैसे वो मचल रहे हैं तड़प रहे हैं उस चीज को हम समझेंगे कि वो कृष्ण एक बार एक लीला ऐसी हो रही है प्रेम सरोवर की कहाँ की प्रेम सरोवर की प्रेम सरोवर पे राधा रानी कृष्ण के बिल्कुल पास में बैठी है ठीक है बिल्कुल पास में बैठी हैं और राधा रानी कैसी हैं उनका श्री अंग उनका दिव्य शरीर कैसा है कोमल कोमलांगम बहुत ही कोमल बहुत ही मधुर और कैसा है उनका एक नाम है गंध उन्मादिता माधव उनके शरीर से ऐसी दिव्य गंध निकलती है कि माधव केशव कृष्ण भी क्या होते हैं पागल हो जाते हैं उस सुगंध को उस सौरभ को सूंघकर
तो जब ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण पागल हो सकते हैं तो एक छोटे से भवरे का क्या दोष है। एक छोटा सा भवरा राधा रानी ने कभी चरण कमलों में घूमता है, कभी मुख मंगल मंडल पे आता है, कभी हस्त कमल पे आता है, वो तो उस सौरभ में पागल हो चुका है और कमल समझ के राधा रानी के आसपास घूमे जा रहा है। तो क्या हुआ, कृष्ण ने देखा राधा रानी को ये जो भवरा है ये थोड़ा तंग कर रहा है, तो मधुमंगल की तरफ इशारा किया और मधुमंगल क्या किए, अपनी बैंक लेकर आए और भवरे को क्या किया, वहां से हटाते 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 बड़े दूर ले गए और दूर क्या ले गए, ब्रज से ही बाहर कर दिया। और वापस आए हैं तो बड़े चौड़े होके आए हैं और चिल्लाते हुए आए हैं, ए कलुआ मैंने बाको कौन को, मैंने बा मधुसूदन को ब्रज से बाहर कर दियो। कहां से बाहर कर दिया, मैंने मधुसूदन को ब्रज से बाहर कर दिया। सुनते ही श्रीमती राधा रानी के हृदय में ये बात ऐसे लगी है, मधुसूदन कौन है, जो हम गोपियों के हृदय के मधु का पान करते हैं वो मधुसूदन ब्रज से बाहर चले गए। अरे वो राधा रानी कृष्ण के पास बैठी हुई हैं, परंतु बैठे हुए भी हृदय में वो सुनते ही क्या भाव आ गया कि मेरे मधुसूदन चले गए। सुनते ही ब्रज से चले गए, सुनते ही मूर्छित हो गए और तब वो कृष्ण आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कांप गए, अरे मैं राधा रानी के बगल में बैठा हुआ हूँ, पास में बैठा हुआ हूँ और फिर भी ये मेरे विरह में बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, अरे मेरा मिलन भी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ये देखो मिलन में भी विरह का आस्वादन ये केवल श्रीमती राधा रानी का ही अधिकार है, हम समझ नहीं पाएंगे उनकी कृपा के बिना। परंतु फिर भी जैसी ये लीला है उसके ये दिव्य जो लीला है इसको फिर भी हम थोड़ा सा श्रवण करने की चेष्टा करेंगे कि राधा रानी मूर्छित हो गए। तब कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाय हाय ये राधा रानी का प्रेम कैसा प्रेम है, ऐसा अद्भुत प्रेम तो मैंने देखा नहीं, अरे मुझ में ऐसा कैसा रस है। भगवान क्या है, रसो वैसा, सभी रसों के भंडार हैं, रसक शेखर हैं। कह रहे हैं मेरे अंदर ऐसा कैसा रस है जिस इस जो राधा रानी आस्वादन कर रही हैं, और क्या ये इनका दिव्य प्रेम है, क्या श्रीमती राधा रानी का ये दिव्य प्रेम कैसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। तो सोचो भगवान के हृदय में पहली बार एक ऐसी भावना आ गई, थोड़े से स्वार्थी हो और बस उस प्रणय महिमा को, राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को जानने के लिए, उसको कुछ अनुभव करने के लिए जो उनके मन में इच्छा हुई, तो क्या हुआ, वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेके इस धन्य कलयुग में, जिस धन्य कलयुग में अभी हम बैठे हैं, कुछ 500 साल पहले ही आविर्भूत हुए। किस रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं क्या, उन राधा रानी की प्रेम की महिमा को इस जगत में स्थापित करने के लिए, इस जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए। और उनके ये परिकर हमारे ही बीच में बार बार आ रहे हैं, हमारे गुरु रूप में जो ये आ रहे हैं ये उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो आया था, मैंने अपने हाथों से प्रेम तो दिया, परंतु क्या मेरे जाने के बाद, क्योंकि कुछ समय के लिए आए इस धरा धाम पे, तो क्या उसके बाद जीवों का कल्याण नहीं होगा। तो इतना सोचते हुए देखो उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने परिकरों को हमारे बीच भेजे जा रहे हैं। किस लिए, वही श्रीमती राधा रानी की जो वो प्रेम की महिमा है, क्या उसको हमें समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या करो ओए जीवो, तुम सभी के सभी क्या हो जाओ, श्रीमती राधा रानी के दास हो जाओ। तुम सभी मिलके तुम क्या करो,
मेरी मदद करो। सोचो भगवान क्या चाह रहे हैं कि तुम सभी मिलके मेरी मदद करो। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी के प्रेम में मैं इतना कर्जे में डूब गया हूँ, इतना कर्जे में डूब गया हूँ प्रेम के कि असल मुझसे चुकाया नहीं जाएगा। तो कम से कम तुम सब मिलके मेरी मदद करो और ब्याज तो चुका दो। तो ये शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु उनके परिकर आ रहे हैं कि चलो, उन कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है श्रीमती राधा रानी के दास हो जाओ, दासी हो जाओ, उनकी सेवा में लग जाओ। तुम उनकी सेवा करो, तुम उनको संतुष्ट करो, मैं अपने आप संतुष्ट हो जाऊंगा। तो आखिरी शब्दों में यही कहूंगा कि इन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हुए हम क्या करेंगे, इनकी जो स्वामिनी है ना, इन गुरु वर्गों की जो स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी, हम क्या करेंगे इनको समर्पित होते हुए, और सदैव जब भी हमसे पूछेंगे ना, और बेटा और बेटी कैसी है, क्या चाहिए तुझे, भूल के भी ये मत मांग लेना कि फलानी को कोरोना हो गया है, आप आशीर्वाद कर दो वो ठीक हो जाए ना, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा ढंग से वो बिजनेस चल जाए ना, भूल के भी नहीं। हाँ, घर में बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है, वो ठीक कर दो गुरुदेव, ये तो कभी भी नहीं, गुरुदेव हाय हाय मरने वाली हूँ बचा लो, ये तो भूल के भी नहीं, क्योंकि मरना तो है ही। तो क्या मांगे याद रखना, गुरुदेव आप अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की हमें भी दासी बना दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक भजन सुन लो। देखो कल है, आज भगवान कृष्ण बारगा की जन्म ग्रहण करेंगे, कल श्री नंद महोत्सव, सब ध्यान से सुना, कल श्री नंद महोत्सव है। जब भगवान कृष्ण जन्म हुए, ब्रजवासी लोग 6-6 महीना पहले जितने माताएं थी 84 गज की लहंगा और चुंदरी बना करके रखे थे, नंद के लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने जाएंगे। बोले श्री नंद के लाला की जय। और जितने ब्रजवासी थे, जितने पुरुष लोग बड़े सुंदर धोती बगल बंदी और पगड़ी बना करके रखे थे, इसको पहन करके हम भी कृष्ण को बधाई देने जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी जब मथुरा में रहते थे, ऐसे ही जितने सारे ब्रजवासी लोग सज धज करके टोकरियों में अलग अलग वस्तु कृष्ण के लिए उपहार को लेकर के सबके सब बधाई देने आया करते थे। इसलिए कल हम कोशिश करेंगे, कल जितने माताएं हैं कौन सा रंग के साड़ी पहन कर आओगे, गुलाबी सबके साथ, और भाई लोग कौन सा साड़ी पहन आओगे, कोशिश करना, अगर धोती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो सफेद रंग का कुर्ता और पैजामा पहन कर। और ये शाम को हम सोच रहे थे सवेरे करेंगे इसको, लेकिन आप रात सोते सोते 1-2 बज जाएगी, इसलिए सवेरे से अच्छे तरह से विश्राम कर लेना। हम शाम को फिर यहाँ से हम कीर्तन करते करते पहले रामबाग में जाएंगे, वहाँ पर हमारे श्री बलराम प्रभु जी और उमा दीदी वहाँ पर है, उमा दीदी है कि नहीं, जितने सारे अड़ोसी पड़ोसियों को तुम्हारी रिश्तेदारों को बुला करके टोकरियों में कई थोड़ा मिठाई हो, नहीं तो फल हो, नहीं तो कोई नमकीन कुछ भी जो कुछ हो, और कृष्ण के लिए कोई उपहार का वस्तु सजा करके रखना, पड़ोसी पड़ोसी सबसे एक एक दो दो करके लेना, ठीक है, और सब लोग वहीं रहना। हम यहाँ से 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, कितना बजे जाएंगे हम, 4 बजे कीर्तन करते करते आपको घर से जाएंगे, वहाँ से श्री प्रेमचंद प्रभु जी को घर में आएंगे, ठीक है, और प्रेमचंद प्रभु के घर के बाद में प्रभु प्रभु का नाम क्या, नीरज प्रभु जी के घर में हम जाएंगे। आप भी सारे अड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके वहाँ पर रेडी करके रखना, हम चलते ही हमारे साथ में चल पड़ेंगे, ठीक है, वहाँ से घर जाएंगे हम श्री मित्तल प्रभु जी के घर में, मित्तल प्रभु है ना, इसलिए श्री मित्तल प्रभु जी के घर में जाएंगे, हम मित्तल प्रभु है कि नहीं यहाँ पर, इसलिए आपको घर में जितने भक्त लोग अड़ोसी पड़ोसी में सबको आप कृपया रखना,
हम चल गई हमारे साथ में सबके सब टोकर लेकर के कीर्तन करते हुए फिर कहाँ जाएंगे? श्रीपाल प्रभु जी, क्या नाम जी? श्रीपाल प्रभु जी। हाँ, श्रीपाल प्रभु जी के घर में जाएंगे। और कहाँ प्रभु जी है? अभी जितने हमारे भक्त हैं अड़ोस पड़ोस भक्त बिना भक्त सबको लेकर के आपका घर में रेडी रहिएगा। फिर वहां से हम कीर्तन करते हुए फिर कहाँ आएंगे? फिर शुभम को घर में। ठीक है, शुभम भैया यहाँ करेंगे, है यहाँ पर। आप भी सारे जितना अड़ोस पड़ोस भक्तों को सबको बुला करके रेडी रखना। और हम कीर्तन करते करते फिर श्री राहुल चाची राहुल घर बोलते हुए फिर हम लोग ये मंदिर में कीर्तन करते हुए आएंगे। ठीक है, कीर्तन करते हुए आएंगे। और यहाँ पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, धूमधाम से यहाँ पर नंद महोत्सव करेंगे। और उसको बाद में बढ़िया प्रसाद की कल व्यवस्था है। और हमारे नीरज प्रभु जी बोले कल प्रसाद में जो कुछ लग गया मैं प्रसाद के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कल बढ़िया क्या बनेगा प्रभु जी? क्या क्या बना रहे हो कल? क्या अच्छे कढ़ी चावल बनेगी, रसगुल्ला बनेगी, और बेड़ी बनेगी, और सब्जी बनेगी, छोले सब्जी, और उसके साथ साथ में जैसे क्या पेड़ा भी बनेगी। इसलिए कल बढ़िया प्रसाद होगा। अब देखो इधर सुना, हम लोग जितने से जा रहे हैं सब लोग यहाँ आएंगे, लेकिन जिन जिन घरों में हम नहीं जा पाएंगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ आ जाना। आप लोग अपना अपना सामान को लेकर के सबके सब हम यहीं आ जाइएगा। पर यहीं से आप लोगों के साथ हम मिलेंगे। और जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पर और जितने भाई लोग जितने पुरुष लोग हैं आप लोग 4 बजे यहाँ आ जाइएगा। ठीक है ना? सब 4 बजे यहीं आ जाइएगा। यहीं से हम कीर्तन करते 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 हम घर घर में जाएंगे। जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण को बधाई देने के लिए आए थे, इसी भाव से जितने माताएं सबके सब गोपी भाव से और जितने भाई लोग सबके सब गोप भाव से सबके सब यहाँ बधाई देने आएंगे। और भगवान कृष्णचंद्र जो आएगा ठाकुर जी की जरूर कब्र में विशेष विशेष ठाकुर जी की उस कब्र में कृपा होगी। ठीक है, कल सबके सब आना, कोई बहाना नहीं बनाना हमारे ये काम का, कोई बहानाबाजी नहीं करना। ठीक है ना? सारे बहानाबाजी छोड़ करके सबके सब आना और बड़े धूमधाम से हम उत्सव मनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हमारे तपन प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी सब सभी से मिलते हैं। अभी सभी जो भक्त लोग लाइव देख रहे हैं, देखते रहिए, बने रहिए। अभी थोड़ी देर में अभिषेक होने वाला है ठाकुर जी का। आधे घंटे बाद Thank you.
अर्जेंट जैन भाई आगे क्या जनरेटर चला दो भैया, जनरेटर चलाए राहुल। हाँ फटाफट किसको भेज लो। हेलो हरे कृष्णा, अभिषेक के लिए बोल दो, कभी लोग चले जाए। हरे कृष्णा श्यामानंद, हरे कृष्णा, सब बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद में आधा घंटा में अभिषेक होगी, आप लोग अभिषेक दर्शन करके चरणा मृत और प्रसाद लेकर के सबके सब जाइए। और देखो आज आप लोगों ने व्रत रखा है, नियम है व्रत का दूसरा दिन व्रत होनी चाहिए, इससे सूर्योदय के बाद में 9 बजे का अंदर में जो एकादशी बार व्रत का दिन जो चीज नहीं चलती जैसे अन्ना रोटी, उसको कुछ ठाकुरों को भोग लगा करके ले लेनी चाहिए, तब ये व्रत खुल जाती है, नहीं तो ये व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। 9 बजे अंदर में ठाकुर जी को भोग लगा करके कोई अन्न हो रोटी हो उसको आप ग्रहण कर लेना, फिर व्रत करने का पूरी फल मिलेगा। और कल शाम को कितना बजे आओगे बोलो? 4 बजे जरूर आना, ठीक है? और अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आइयो, कल बड़े धूमधाम से हम कीर्तन करते हुए हम सब घर घर में बधाई मिलेंगे। माइक लेकिन माइक कर हाँ सब बैठ जाओ और थोड़ी कथा सुन लो, अब आधा घंटा अंदर में अभी से शुरू हो जाएगी। गुरुदेव इन्हें हटा दे यहाँ से, इन्हें उठा दे। हरे कृष्णा, जनरेटर चलाया कि नहीं? प्रेमचंद प्रभु जनरेटर चलाया? उधर जाओ, उधर जाओ, इसको पीछे बैठाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। अरुण भैया, अरुण जी, सब लोग प्रसाद बांटने जाएंगे, बढ़िया से प्रसाद बनाना, अच्छे से लाइक आ गई ना? सबसे पहले गुरुपाद प्रथम ऐसी चला दे, ओम विष्णु पाद स्वरूप का दर्शन देते हैं, भक्ति विदान लेते दर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना करना प्रणाम करते हो अनंत मुनि वैष्णव पुत्र रूपानु गुरुपाद प्रथम गोपाल सब सुबह सब ऐसे चला गौर नित्यानंद प्रभु गोपाल सब प्रथम करते राधा गोविंद जी के चरण में प्रार्थना करना करना उपस्थित विजयपंत महाराज समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद समस्त चरणों में अधम का जगह जो के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना ही नहीं दे रहे राहुल, बात नहीं कर, बोलो बाके बिहारी लाल की। देखो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कृष्ण जन्म के महोत्सव करने के लिए। अब ठाकुर जी जन्म हो चुके हैं, अब ठाकुर जी जन्म होने के बाद किस प्रकार कंस का स्थिति है, कंस सोच रहा है कि कृष्ण से जन्म हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं, कृष्ण को वध करूं। इसलिए कंस ने अपने सारे जितने भी दैत्य गण था उनको निमंत्रण किया, बोले पूतना बकाश तथा सकटा अमर्पिका, बोले पूतना अकासुर अगासुर सकटासुर तृणावर्त सारे के सारे असुर को निमंत्रण किया। और ये कंस बोल रहा है देखो तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरा दोस्त हो, अब दोस्त का विपत्ति काल उपस्थित हुआ है, मुझे विपत्ति आ गया है, अब तुम लोग क्या करोगे, मुझे विपत्ति से उद्धार करो। तब सबसे पहले कृष्ण के बाप कृष्ण को वध करने के लिए ये पूतना ने कंस के प्रेरिता थे, कंसे न प्रेरिता पूतना बाल घातिनी, ये पूतना कहे ना बाल घातिनी, बाल घातिनी भयंकर दुष्ट
भयंकर राक्षसी इसने क्या किया, कंस को बोलता है कि भैया मैं मेरे होते हुए तो बांह आपका फैले, कृष्ण को मारना कोई बड़ी बात है क्या, तो मैं मार दूंगा। तो ये पूतना ने क्या किया, कंस ही न प्रेरिता, कंस के द्वारा प्रेरित होके ये आकाश मार्ग से जा रहा था। तो जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था, अब कृष्ण जन्म हो चुके हैं, अब ब्रज में क्या हो रहा है, तो बधाई दे रहे हैं सब गोपी सज धज के, सब ग्वाले वाले सज धज के जा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं सुंदर सुंदर तरीके से। अब जैसे ही बधाई वहाँ पे देने जा रहे हैं, तो उस वहाँ पे बधाई देने के लिए इतने लोग जा रहे थे, तो ये उदना ने जैसे आकाश मार्ग में गया ना, इसको लगा भाई यही कुछ होगा, निश्चित रूप में कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। देखो बधाई कब देते हैं, जब कोई किसी बच्चे जन्म लेते हैं या किसी का शादी हो जाता है, तो विशेष करके दो जगह पे बधाई देने जाते हैं, तो बोलते हैं कि निश्चित रूप में यहाँ पे कोई बच्चा जन्म ले चुके हैं। तो इसी कारण पूतना ने वहाँ पे आ गए। अब पूतना का शरीर 10,000 योजन, अब पूतना का इतना भयंकर स्वरूप को देख के मतलब देवता भी डर जाते हैं, कांप जाते हैं। अब ये तो साधारण ब्रजवासी है, तो पूतना ने साक्षात क्या किया, तस्माद सब स्वरूप अपना स्वरूप को बदल दिया, परिवर्तिता रमाहा किरान सुरु, बता रहे हैं कि अपना स्वरूप को इस प्रकार बदल दिया कि जो रमा यानी जो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी कोटि कोटि लक्ष्मी की तरह इतना सुंदर दिखाई दिया पूतना। वहाँ पे से परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार पूतना का सुंदरता है, उसका चोटी इतना सुंदर, उसमें चोटी में कितने सुंदर सुंदर बजरा लगा रखा है, और उसमें कितने सुंदर वस्त्र धारण करके पूतना अपने चोटी को हला हला करके ब्रज में जा रहा है। और जैसे ही ब्रज में चला गया, ये ब्रज के पूतना इतने सुंदर ही था, पूतना को देख के जितने भी ब्रज गोपी थे, ग्वाल वाले थे, ये सब पूतना के पीछे पड़ने लगे। ये कहाँ से आ गए, इतना सुंदर ही हमारे ब्रज में तो भाई तुमने कभी देखे नहीं, तो कहाँ से आ गए हो, सब पूतना को पूछने लगे कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया इतना सुंदर पूतना। तो कपटी अपना कपट रूप को धारण किया, अंदर कुछ चीज है और उसका बाहर में कुछ चीज है पूतना का। अंदर क्या चीज है कि ये तन में कालकूट जहर लेके कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आया है, लेकिन बाहर से ये बड़े सुंदर सज के आए हैं, मान लो जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने, उसके जो सुंदरता के सामने हार मान रही, इतना सुंदरी पूतना। तो ब्रज गोपियां हंसने लगी, बोले सुने हो, देखो ये लग रहा है ये कोई स्वर्ग के देवता की देवियां है, ये कोई देवी हमारे कृष्ण को दर्शन करने के लिए आया है। तो एक ब्रज गोपी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी है। तो कोई ब्रज गोपी बोल रहे हाँ लक्ष्मी ही हो सकते हैं, क्योंकि नारायण तो वैकुंठ छोड़ के भाई ब्रज में आ चुके हैं, अब लक्ष्मी अकेले क्या करेंगे, तो लक्ष्मी ही हो सकते हैं निश्चित रूप में। तो ये पूतना को इस प्रकार हंसी दिलाई करते करते ये पूतना दक्षिण किया गया, नंद भवन में प्रवेश किया, इतना सुंदर था त्रिभुवन मोहित हो जाते थे। जैसे ही नंद भवन में पूतना प्रवेश किया, तब उसी समय पे नंदमा यशोमती मैया और रोहिणी ये कृष्ण को लालन पालन करके वहाँ पे कृष्ण को सुंदर श्रृंगार करके पालकी में लेटा लेटा रखे थे। अब इतने बीच में जैसे ही पूतना ने वहाँ पे प्रवेश किया, तो दक्षिणा यशोमती मैया देखे कि आश्चर्यचकितावती ही आश्चर्यचकित हो गए। तो पूतना बोल रही है अरे इतने सुंदर लाला को कोई पालकी में थोड़ी ना लेटा के रखते हैं, इसको तो भाई गोद में लेना चाहिए, गोद में लो खिलाओ खिलाओ इनको। तो दक्षिणा पूतना ने क्या किया, कृष्ण को दक्षिणा थी कृष्ण को उठा लिया अपने गोद में, देखते ही कृष्ण को गोद में उठा लिया। अब देखो जैसे ही पूतना ने कृष्ण को उठाया, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने आँख को बंद कर दिया। अब ये ठाकुर जी ने आँख को क्यों बंद किए, इसके पीछे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पांच कर्म बता दिया, कितना पांच कारण बताते हैं। और श्री वल्लभाचार्य ने जो रस का आचार्य है ये अपने वल्लभाचार्य ये विशेष करके इसके पीछे 10 कारण बताते हैं पूतना ने क्यों आंख बंद कर दिया। तो एक एक करके सब कारण को सुनो। तो इसमें बता रहे हैं कि देखो पूतना ने जैसे ही कृष्ण को उठाया गोद में, कृष्ण ने अपने आंख को बंद कर दिया। बोले क्यों बंद कर दिया, ये बच्चे का एक स्वभाव होता है, बच्चे एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है,
कि बच्चे इधर उधर किसी के गोद में नहीं जाते, देखते ही डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इतना रोते पता नहीं क्या हो गया। तो इसमें पता चलता है कि इसमें एक कारण बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बच्चे का एक साधारण स्वरूप होता है कि कृष्णा भी कौन है, यद्यपि परम ब्रह्म परात्पर भगवान है, अनंत कोटि विश्व का मालिक है, फिर भी यहाँ पे बाल लीला स्वरूप है। ठाकुर जी ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं, अब ठाकुर जी यहाँ पे बच्चे हैं। और जैसे ही पोतना को देखा सोचे होंगे ठाकुर जी भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो ब्रजगोपी नहीं है, ये तो ग्वाल वाला नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने आँख बंद कर दिया अनजान समझ करके। अब दूसरे कारण बता रहे हैं कि देखना जो बच्चे लोग होते हैं ना ये ज्यादा विशेष करके सोते हैं। तो मान लो ये नंद बाबा यशोमती मैया ने इनको अभी अभी ही प्रेम करके और पालकी में लिटाया है और अभी अभी ठाकुर जी सो रहे हैं, और इसी बीच में जैसे ही पूतना ने उठाया तो ठाकुर जी का थोड़ा तो नींद टूटा और फिर ठाकुर जी ने तुरंत आंख बंद कर दिया, फिर सोने लगे। तीसरा कारण बता रहे हैं भाई ये पूतना किस चीज के लिए आया है कि पूतना बाल भातिनी। पूतना का काम क्या है? बाल भातिनी। बाल भातिनी अर्थात बता रहे हैं कि ये बालों को मारने के लिए आया है। अब ब्रज में आया है, ब्रज के सारे लड़कों और लड़की जितने भी पैदा हुए हैं जन्म हुए हैं उनको सब क्या करेगा? पूतना मार डालेगा। और ब्रज के सारे जितने भी कृष्ण के उम्र के जितने भी पैदा हुए हैं जन्म ले चुके हैं और जितने भी सखियां हैं ये सब कौन है? ये कृष्ण के नित्य पार्षद थे। जितने भी सखा है श्रीधाम मधु मंगल शोक कृष्ण अर्जुन ये सब कौन है? कृष्ण के सखागण है। और जितने भी सखीगण है ललिता विशाखा मंजरीगण ये कृष्ण के सखीगण है। तो इनको मारने के लिए पूतना आए हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने बोला भाई देखो ये पूतना को मैं मुंह को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? कि इसने मेरे सखा सखीगण है मेरे बंधु के गण जो मेरे दोस्त को मारने के आया है। अब भाई मैं दोस्त को सबको मार डालेगा तो मैं किसके साथ क्रीड़ा करूंगा, बड़ा होकर किसके साथ खेलूंगा? तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने आंख बंद कर दिया। चौथा कारण बता रहे हैं कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं। भगवान इस जगत में इसलिए आते हैं कि भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था पुनर्घाही संभवामी अभिवे। कि मैं यहाँ इस जगत में इसलिए आता हूँ कि धर्म संस्था पुनर्घाही, कि धर्म का पुनर्स्थापन करो, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम साधु मेरे भक्तों के ऊपर कृपा करूँ, अनुग्रहाय भक्तामि कि मैं अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करूँ, और जो मेरे भक्तों के ऊपर दुष्ट असुरगण है और जो दुष्ट जन है उनको मैं क्या करूँ? विनाश करूँ। इसलिए भगवान इस जगत में आए। अब भगवान पूतना का विनाश करेंगे तो इसलिए सोच रहे हैं कि भाई किस प्रकार इस पूतना को मैं विनाश करूँ, ये एक कारण है। तो भगवान तो सर्वांतर्ज्ञानी है, भगवान परम करुणा है, परम रसिकमयी है। तो दूसरा कारण बता रहे हैं भगवान का जो दृष्टि होता है ना वो क्या होता है? कृपा दृष्टि होता है। जब हमारे गुरुजी गुरुपाद पद्म बोलते हैं जब मंगल आरती का पट खोलता है तो सबसे पहले मंगल आरती के सामने खड़े होते हैं तो ठाकुर जी का कृपा दृष्टि पड़ता है। तो विशेष करके एक हम जब हर दिन मंगल आरती जो लोग आते हैं कीर्तन आए कि शुभ दृष्टि करो वे जगत एर प्रति, कृपा दृष्टि करो प्रभु एर प्रति, कि ठाकुर जी की जो दृष्टि एक बार जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हो गया करुणा दृष्टि हो गया तो उसके ऊपर कृपा कर देंगे। अब तो भगवान आए हैं क्यों? कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान असुरों को मारने के लिए आए हैं। अब भगवान कृपा दृष्टि करेंगे तो ये पूतना का स्वरूप नहीं रहेगा, इसीलिए ठाकुर जी ने आंख बंद कर दिया। और कारण बता रहे हैं कि क्या कारण है कि ये पूतना कौन है? पूतना, पूतना अर्थात जो अपवित्र, जो अपवित्र है और जो कपटी स्वरूप है। तो भगवान के सामने कोई भी अविद्या नहीं टिक सकता, भगवान के सामने कोई भी कपट नहीं टिक सकता। अरे जो लोग सपने में ठाकुर जी को देखते हैं वो प्रेम विवल हो जाते हैं। तो सपने में जो जो ठाकुर को देखते हैं मान लो कुछ भी झलक को देखते हैं वो प्रेम विवल हो जाते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष बालकृष्ण स्वरूप इतने सुंदर स्वरूप जो ब्रह्मा सिद्धि भी मोहित हो जाते हैं इतने सुंदर स्वरूप को देख के हाँ कौन सा अविद्या टिक सकता है? उसका स्वरूप प्रकट हो जाता, प्रकट हो जाता तो नंद बाबा यशोमती मैया घबरा जाते वहाँ पे।
इसीलिए वहाँ पे ठाकुर जी ने आंख बंद कर दिया। चौथा कारण बता रहे हैं कि क्या ये गोदना क्यों आया है, ना कृष्ण को मारने के लिए, कैसे किस तरह मारेगा, ना अपने स्तन में जहर लेके कृष्ण के मुख में देगा और जहर लेके कृष्ण को मार देगा। अब ठाकुर जी आंख बंद कर भाई ये तो जहर पिला देगा मुझे, लेकिन जहर पीना किसका काम है, जहर कौन पीते हैं, विष कौन पान किया, शिव जी पान करते हैं। तो शंकर शिव जी को मन में कृष्ण ध्यान करते हैं, बोले भोले बाबा आपके पारी आ गया। शिव जी बोलते क्या पारी आ गया, बोले क्या आप जहर जहर पी लो तो मैं पी लूंगा, आपका काम जहर पीना, बीज बीज को आप पान कर लेना, दूध को मैं पान कर लूंगा। तो इसीलिए शिव जी को ध्यान करने के लिए कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। और एक कारण बता रहे भाई कि गोदना ने पूर्व जन्म ने कौन सा ऐसा पुण्य व्रत किया, कौन सा इस प्रकार का पुण्य कर्म किया, किस प्रकार का इस गोदना ने सुकृति ग्रहण किया कि इसको कृष्ण को स्वयं अपने गोद में धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस कृष्ण को चरण कमल को छूने के लिए नंद बाबा नंदेश्वर महादेव के रूप में आते हैं, ब्रह्मा जहाँ पे आते हैं कृष्ण को बस दूर से प्रणाम करने के लिए, और इस कृष्ण देव का जहाँ पे स्तुति करते हैं, ये राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य कर दिया। तो इसको गोस्वामी में तुलसीदास गोस्वामी बोलते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतराम कि जन्म जन्म तक ये मुनि ऋषिगण बहुत यत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम नाम भगवान के नाम उच्चारण नहीं होता। तो ये बड़ा सुदुर्लभ है कि कृष्ण को इतने गोद में उठाया। तो ठाकुर जी मन में मन हटके आंख बंद करने लगे और सोच रहे हैं कि ये भाई देखो तो ये पूर्व जन्म में कौन सा ऐसे सुकृति ग्रहण किया था। तो ठाकुर देख रहे हैं कि पूतना कौन है, ये पूर्व जन्म में ये जो बलि महाराज जिसके यहाँ वामन देव आए थे, कल हम कथा श्रवण कर रहे थे वामन देव का, तो बलि महाराज जिस समय यहाँ पे आए थे तो उसी बलि महाराज जी ने इनको जैसे ही वामन देव आए थे, इतना सुंदर वामन देव का स्वरूप था, इतना सुंदर दिखते थे, तो बलि महाराज जी के जो बेटी रत्नमाला ये क्या किया, हाँ सोचने लगे मन में मन की इतना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं निश्चित इसको स्तनपान करता, वास्तव से प्रेम प्रदान करता। तो भगवान सर्वंदार जामी है, भक्तों का भाव को देखो सबको जानते हैं, तो भगवान ने बोले ठीक है तथा अगले जन्म में अगले लीला में मैं तुम्हारे ये वात्सल्य प्रेम को अवश्य रूप में पूर्ण करवाऊंगा। तब उसके बाद जैसे ही भगवान ने क्या किया ना दान मांग लिया और अपने विराट काय स्वरूप को धारण किया, दिव्यक्रम रूप को धारण किया, एक पग में स्वर्ग मध्य पाताल आदि, एक पग में स्वर्ग से ब्रह्मालोक तक नाप लिया, दूसरे पैर में और पाताल लोक तक नाप लिया और बलि महाराज जी को नाक भाग में बंद कर दिया। तो ये सब देखते हुए रत्नमाला ने बोला कि मैं तो सोच रहा था तो बड़े सुंदर बालक है, ये तो कौन है, बड़े कपड़े निकले, अगर ये मेरे बच्चा होता तो मैं इसको तन में जहर दे के इसको मार देता। तो भगवान बोले ये भी मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। तो इसी कारण वजह इसी कारण के लिए भगवान ने क्या किया ना, ये पूतना को एक अवसर प्रदान किया। ये पूतना भी साधारण नहीं है, ब्रज में आ गया, देखो ब्रजवासी भी साधारण नहीं है, ब्रह्मार दुर्लभ्य, ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, ये ब्रजवासी के सामने भी पूतना नहीं टिक पाता, लेकिन ब्रजवासी के सामने ये कैसे अंदर घुस गया ब्रज में। तो बता रहे हैं कि जो कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने ये सारे के सारे ब्रजवासी को भ्रमित कर दिया, क्यों पूतना उद्धार लीला के लिए भगवान के पूतना उद्धार एक एक जब अवतीर्ण होते हैं एक कारण के लिए कभी नहीं आते हैं, अनेक कारण के लिए आते हैं, अनेक लीला करते हैं, एक कारण में कभी भगवान नहीं आते हैं, बहुत सारे एक लीला के द्वारा बहुत सारे लीला को संपन्न करवा देते हैं। तब जैसे इस प्रकार पूतना ने जैसे ठाकुर जी को उठाया और ठाकुर जी को उठा करके क्या किया, ये स्तनपान करने लगा। एक आहा एक गोस्वामी वर्ग को बता रहे हैं क्या ये पूतना को कृष्ण के स्वरूप को देख के इसको दया नहीं आया। हाँ स्वाभाविक क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना ये क्या करते हैं, उसका स्वरूप को देख के कोई बोलते हैं उसको तुरंत गोद में ले लेते हैं, इतना सुंदर है भाई, इतना क्यूट दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको गोद में उठाओ, इसको चपेट दो, इसको प्यार करो।
तो बोल रहे हैं जो कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण इतने सुंदर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक और इतने सुंदर थे कृष्ण, बाल कृष्ण स्वरूप को देख के आप पूछना गए, मन में ये भी थोड़ा संकोच नहीं आया कि मैं इनको जहर पिलाऊं, सोचा भी नहीं। तो बोल रहे अवश्य सोचा होगा, लेकिन जो माया देवी ने क्या किया, उस लीला को संवरण कर रहे हैं इच्छा शक्ति जो माया ने, कृष्ण इच्छा को जान के, कृष्ण को क्या इच्छा है कि अभी पूतना को वध करूंगा, इसलिए पूतना को वध करूंगा, और वध करूंगा तो ये छटपट आएगा, जैसे ही छटपट आएगा तो मैं ये थोड़े देर के लिए, तो ये इसने मुझे गोद में उठाया ना, मातृ प्रेम प्रदान किया, तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, और जो माया देवी ने तब भ्रमित करवा दिया, जैसे ही भ्रमित करवा दिया कृष्ण ने स्तनपान किया, स्तनपान करते 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 जैसे 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 पूतना का प्राण हरण किया, पूतना का प्राण शोषण किया, मान मुच्छ देते हो, पूतना बोले मान मुच्छ, बोले छोड़ो छोड़ो मुच्छन जी मुझे छोड़ दो, तो पूतना को पता चल गया निश्चित रूप में यही वो लड़का है जिसको मैंने मारने आया हूं, तो ये तो मुझे अभी नहीं छोड़ेगा, ये इतना छोटा बच्चा मेरा प्राण को शोषण कर रहा है, निश्चित रूप में ये मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ अपने विराट स्वरूप को धारण करता हूँ, जैसे तैसे करके इसको आकाश मार्ग से उड़ा के ले जाऊंगा, कंस तक पहुंचा दूंगा कि कंस इसको मार डालेंगे, भैया मेरा रक्षा करेंगे। इसलिए पूतना ने विराट स्वरूपम धारण, अपने विराट स्वरूप को धारण किया, विराट स्वरूप को धारण करके जैसे ही धारण किया पूतना ने, वहां पे पूतना का विराट स्वरूप 10,000 योजन तक वहां पे पूतना ने, कृष्ण वहां पे लटक रहे हैं और आकाश मार्ग से पूतना कृष्ण को ले जा रहे हैं, और एक जगह हुआ जहाँ पे पूतना ने लास्ट में मांग मुझे जोर जोर चित्कार किया, और ठाकुर जी ने पूतना को उद्धार कर दिया, और पूतना वधकारी ठाकुर जी की, और बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, तो ठाकुर जी ने उसको उद्धार कर दिया। अब ब्रज में पता चल गया, ब्रज के सारे गोपी और ब्रज के यशोमती मैया रोहिणी मैया सारे पीछे पीछे दौड़ रहे, और जैसे ही दौड़ के देखे विराट स्वरूप है वहां पे, पूतना का शरीर का विस्तृत कर रहे हैं, उसका जो नाक है लग रहा है मंदरा, कोई एक गुफा गुफा जैसा दिख रहा है, और उसका जो स्तन है वो लग रहा है एक पर्वत जैसा, और उसका जो जो नाभि कमल है लग रहा है कोई बचे हुआ एक पॉन्ड एक पोखर जैसा, और उसका जो शरीर है उसका जो दांत है लग रहा है कोई हल जैसा, और उसका जो बाल है लग रहा है कोई वहां पे एक सर्प खिला हुआ है, एक अजगर सर्प खिला हुआ है, तो इतना शरीर पूतना के ऊपर उतना मरा पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर कृष्ण खेल रहे हैं, उसके ऊपर कृष्ण हंस के खेल रहे हैं जोर जोर के। अब धीरे धीरे इसके ऊपर उठेंगे कौन, बोले सीढ़ी लाओ, इसके ऊपर उठने के लिए सीढ़ी चढ़ाया गया, तो इतना उसका हाइट था कि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और ये ग्वाल वाल बोलने भाई धीरे धीरे चढ़ो, कहीं पूतना मौसी ने जग गया तो हम सबका हरिओम कर, तो धीरे धीरे चढ़ो, तो जैसे ही धीरे 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 चढ़ते हैं और कृष्ण को वहां से धीरे धीरे करके निकाल के आते हैं, और जैसे ही उतारते हैं तो यशोमती मैया क्या करते हैं, देखो ये बड़ी शिक्षा वाली बात है, ये यशोमती मैया गोराजेन स्नापयित्वा गोधूले द्वारकं तिलकं कृत्वा, बोल रहे हैं कि गोराजे ये गोबर और गोमूत्र और गाय का जो पूंछ होता है कृष्ण को झाड़ लेते हैं, बोले शायद कई दुष्ट ग्रह कृष्ण को हाँ क्या किया उठा के ले जा रहा था, कृष्ण को झाड़ देते हैं और उसमें कृष्ण को शरीर में द्वादश तिलक करते हैं, देखो द्वादश तिलक ये बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व वाली बात है, और द्वादश तिलक हमारे गुरुवर हमारे परंपरा में द्वादश तिलक का विशेष महिमा है, स्वयं भगवान धारण करते हैं ये ब्रजवाले, स्वयं कृष्ण को धारण करवाते हैं, इसलिए हमारे जो आराध्य धारण करते हैं हम भी धारण करेंगे, तो द्वादश तिलक करवाते हैं, और द्वादश तिलक करते करके कृष्ण को विशेष विशेष वहां पे उत्सव करते हैं, लेकिन पूतना ने जिस जगह पे गिरा था वो जगह एक पार्टी का था, एक उद्यान था, उद्यान में वहां पे बड़े सुंदर सुंदर फूल फल निकलता था, लेकिन वो पार्टी का कंस के अंडर में था, अब ये कंस दुष्ट क्या करता था अपने भोग वृद्धि के लिए लेता था, लेकिन ब्रजवाले और ठाकुर जी की सेवा में ये कभी फल नहीं लगाता था, फूल को भी नहीं लगाता था, तो योग माया देवी सोच रहे भाई जो चीज ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगे उसको नष्ट कर देना चाहिए, इसीलिए देखो ठाकुर जी ने पूरा व्यवस्था कर दिया,
ये पूतना इतना बड़ा तरह स्वरूप धारण किया, ये ब्रज में गिर जाता तो तारे घर छूट जाता। और ठाकुर जी बोले भाई दूर ब्रज के दूर चले जाओ और उद्यान के ऊपर खेलो, तो वहां पे जितने भी लकड़ी है ना वहां आग लगा दे तो पूरा जल जाओगे। तो वहां पे नंद बाबा ने आए देखे और वहां के लकड़ी संग्रह करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ा, ठाकुर जी ने पहले से ही व्यवस्था कर दिया। एक गिरा तो एक बगीचा के ऊपर, और उसी बगीचा में जितने भी लकड़ी था उसमें इसको आग लगा दिया गया। और जैसे ही आग लगा दिए जाते हैं ये बड़े सुंदर रूप को धारण करते हैं, और धारण करके नित्य धाम में गोलोक में जाते हैं। और गोलोक में जाने के बाद इनको क्या गति प्राप्त होता है, बोलने इनको धातृचित गति देते हैं। धातृ यानी धाई माता, कृष्ण के दो धाई माँ है अंबिका और किलिम्बिका। तो इसी प्रकार इसको उनके आनुगत्य में धात्री का गति, ये कभी कभी कृष्ण को गोद में उठा सकते हैं नित्य धाम में। धात्री यानी माता नहीं है, माता की गति मतलब माता जैसा बना दिया इनको, जिस कभी कभी ये कृष्ण को लाल रहे हैं, कभी कभी कृष्ण को वस्त्र धो दें और वास्तव से प्रेम कभी कभी दें, इस प्रकार गति दिया। तो यहाँ पे गोस्वामी वर्ग प्रश्न उठा रहे, बोले ठाकुर जी आप तो बड़े दयालु हो। बोले क्या दयालु हो, आप परम दयालु हो। अरे जिस पूतना ने मारने की गति, मारने की संकल्प लेके आपके स्वरूप को देख के मोहित भी नहीं हुआ, इतने बाल कृष्ण स्वरूप को देख के आपको मारने के लिए आ गया, ये जिस पूतना ने इस प्रकार का संकल्प लेके मारने के लिए आया, आपने उसको माता की गति दे दिया। अब बताओ जरा, जिस ग्वालों का जिस गायों का आप स्वयं दूध पान करते हो, मक्खन मिश्री खाते हो, दही खाते हो चोरी चोरी करके, और जिन जिन माताओं का बसा हो समय में ब्रह्मा जब बसारण कर लिए थे, स्वयं आप एक बछड़े बन गए, स्वयं आप एक सखा बन गए, और सारे ब्रज गोपियों का मतलब सारे माताओं का जब स्तनपान किया तो उनको क्या दोगे, उनके पास देने के लिए आपके पास क्या है। तो बोल रहे हैं कृष्ण, बोल रहे हैं भाई मैं तो उनके प्रेम के ऋणी हूँ, मैं उनके प्रेम के ऋणी हूँ। मेरे पास देखो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सारी चीज है और सारे शक्तिमान है। न तस्य काचित् कर्णं च विद्यते न तस्मस्य अपि अधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव दृश्यते स्वाभाविक क्रिया ज्ञान वर्त। उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा शक्ति कोई किसी के पास नहीं है, उनके जैसा तो नहीं, उनके अधिकता तो छोड़ ही दो। तो इस प्रकार भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वसमर्थ है, वो बोले भाई मैं तो प्रेम के ऋणी हूँ, मैं ऋणी बन गया ये ब्रज गोपियों को, मैं क्या दूँ, मैं कोई सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या दूँ इनको ब्रज गोपियों को, तो मैं इनके प्रेम के ऋणी हूँ। तो ये है पूतना उद्धार लीला का चरित्र का जो अंतिम जो फलश्रुति है, उसमें से विष्णु क्या सुखदेव गोस्वामी बात वर्णन कर रहे हैं कि एतत् पूतना मोक्षेणम सुनयाम श्रद्धयाम चित्ते गोविंदे नमते रति। ये पूतना उद्धार का चरित्र जो प्रेम पूर्वक बस श्रवण कर ले, बस ध्यान से सुन ले, उसको क्या होगा, गोविंदे नमते रति, जो गोविंद भगवान में उसको रति के प्राप्त होगा। और इसी रति के लिए ही हमारे गुरुवर्ग आए हैं, इसी चीज को देने के लिए ही हमारे गुरुवर्ग आए हैं, इसी भाव को देने के लिए ही हमारे गुरुवर्ग आए हैं। देखो हमारे गुरुवर्ग, देखो कृष्ण तो आते हैं, हमारे जो आराध्य हैं वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है तो उसमें भी एक मथुरा का भी कृष्ण है, द्वारिकाओं का भी कृष्ण है, हम द्वारिका कृष्ण को क्यों आराध्य नहीं करते। भाई देखो मैं जब मठ में आया था ना नए नए, तो मुझे लगा था एक ही तो कृष्ण है, फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वो तीन कृष्ण है। कौन कौन बड़ा तीन कृष्ण, सुना हो बचपन से एक कृष्ण है, फिर बाद में पता चला तीन कृष्ण है। क्या ना ब्रज के अलग कृष्ण, मथुरा के अलग कृष्ण, द्वारिका के अलग कृष्ण, फिर बाद में पता चला कि द्वारिका के कृष्ण में भी विभागी थे, फिर बाद में पता चला मथुरा के कृष्ण भी विभागी कर, फिर यहाँ पे आके पता चला कि और पांच कृष्ण है ब्रज में, शांत कृष्ण शांत रथ में जो सेवा करते हैं उनके लिए उनका अलग भाव है, दास रथ में जो सेवा करते हैं उनका अलग भाव है, सखाओं के साथ जब कृष्ण रहते हैं उनका अलग भाव है, और माताओं के साथ जब कृष्ण रहते हैं उनका अलग भाव है वास्तव में प्रेम में, और जो मधुर रथ में जो राधा रानी के पास रहते हैं उनका भी अलग भाव है, उसमें भी ठीक दो भाग में व्यक्त कर गया बता रहे हैं, उसमें भी खोखिया भाव है परकिया भाव है तटस्थ है विपत के पता नहीं कृष्ण कितने कृष्ण है, लेकिन हमारे गुरुपाद जी एक बात को बता दें, हम किस कृष्ण को आराध्य करेंगे, बोले जिस कृष्ण को रूप गोस्वामी पाद में अपने एक अष्टकम में लिख रहे हैं कि लीलां निकुंज कुहरे भवती मुकुंदा चित्रेव वतीत सुति रुचि रुचि राक्षिनाम भ्रुग्नाम भुवाम न रचयेति मृषा विषादम अग्रे ब्रजेन्द्र तनय तन सृष्टि भावना। हम किस कृष्ण को आराध्य करेंगे, बता रहे हैं
कि ये कृष्ण जब राधा रानी के विरह में जाते हैं, जब राधा रानी को भाव को चिंता करते हैं, जैसे ही इनके भाव को चिंता करते हैं तो कृष्ण का स्वरूप क्या होता है, ये गोरा हो जाते हैं, जिसके कांति विलर्पिता, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने इस स्वरूप को भूल जाते हैं। और जैसे ही भूल जाते हैं कृष्ण क्या करते हैं, विदेह रूप में ये काले स्वरूप से गोरे बन जाते हैं, काले स्वरूप से विशेष करके गोरे बन जाते हैं और राधा रानी को ढूंढने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और वहां पे ब्रज में बहुत सारे निकुंज, निकुंज यानी कुछ पेड़ से बना हुआ कुछ बगीचे, ऐसे निकुंज में राधा रानी छुपे रहते हैं कृष्ण से मांग करके। और जिस समय राधा रानी कृष्ण से मांग करके छुपे रहते हैं, उस समय बाहर पे रुकवा देते हैं रूप मंजरी गोस्वामी को, ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी को रख देते हैं और बोलते हैं भाई देखो, क्या देखो, न देखो तुम ना उस कृष्ण को मेरे पास आने मत देना। तो बड़ा छिड़िया है रूप मंजरी, बोले भाई तुम ही मना कर लो, मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे मत दिखाओ। तो राधा रानी बोलते तुम अगर मेरे गण हो तो गेट के बाहर खड़े रहना, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। तो कृष्ण ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचते हैं और देखो जो कृष्ण इतने बलवान इतने शक्तिशाली कृष्ण एक निकुंज में प्रवेश नहीं कर पा रहे, एक बगीचे के अंदर घुस नहीं पा रहे। और जो रूप मंजरी को देखते हैं दूर से ही प्रणाम करते हैं, भाई ये द्वारके पर है, इसको पहले पटाना पड़ेगा, इनको पहले कुछ मनाना पड़ेगा। उनके चरण में आते हैं, चरण में जैसे आते हैं कृष्ण और रूप मंजरी के आपस में जब वार्तालाप होता है, बातचीत करते हैं, तब उसी समय पे राधा रानी बाहर से आते हैं। और जैसे ही राधा रानी बाहर से आते हैं, जिस समय राधा रानी बाहर से आते हैं, भ्रिकटी देवम अपने भ्रिकटी को ऐसे देख रहे हैं कृष्ण को। अब कृष्ण डर रहे हैं, डर के अपने भ्रिकटी को ऐसे उठा करके देखते हैं, कृष्ण डर रहे हैं और रूप मंदिर की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, रूप मंदिर तुमने कृष्ण को यहाँ लाया है ना? तो बोले नहीं 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 किशोरी जी, मैंने लाया कृष्ण के सामने राधा रानी। अब बोलते हैं भाई देखो मैं तो मान करता हूँ, लेकिन ये काले जिस समय मेरे सामने आ जाता है ना, पता नहीं क्या हो जाता है मेरा, पता नहीं सारे मान टूट जाता है, सारे क्रोध टूट जाता है। और उसी समय कृष्ण को आलिंगन करते हैं, उस समय जो गुरुवर्ग हमारे जो मंजरीगण जो दर्शन करवाते हैं, तो ये जो भाव को हमारे गुरुवर्ग दिए हैं कि कभी रूप मंजरी हमें उस निकुंज के बाहर रख दे, कभी गुरुवर्ग हमें उस निकुंज के बाहर रख दे, कभी उनके आनुगत्य में हम किसी लीला को दर्शन कर सकें, ये भाव हमारे गुरुदेव भक्तिवानंद नारायण मूर्ति महाराज जी ने दिया। अब गुरुदेव के बाद गुरुदेव तो चले गए, अप्रकट हो गए परम गुरुदेव। परम गुरुदेव अप्रकट होने के बाद सबसे बड़ी उसका उससे भी ज्यादा रस हमारे गुरुपाद उन्होंने ही दिया इस भाव को कि हम किस प्रकार रूप गोस्वामी के तिथि में, ये जन्माष्टमी के तिथि में हम पिछले साल भी पूरी में थे, तो गुरुदेव ने सबको बोल दिया कि एक टॉपिक दे दिया, सब लोग अलग 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 तरीके से बोलना और सारे के सारे अलग अलग तरीके से बोलते ना, तो गुरुपाद बड़े प्रसन्न होते हैं। और हर समय गुरु जी का मनोभिष्ट है कि सब लोग अलग अलग दृष्टि से अलग अलग विचार से अलग अलग दृष्टिकोण से ये भाव को समझे और कृष्ण कथा को वर्णन करे, ये गुरुपाद शर्मा ने विशेष करके सारे सालों के ऊपर दिया। तो आज ठाकुर जी का सौभाग्य दिए, हमारा तो बड़े सौभाग्य है, अर्थात गुरु जी आज नोएडा में रहते हैं कहीं कहीं रहते हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है गुरु जी का प्रकाशित विग्रह गोविंद भी है और हम सबके सामने आज गुरुदेव उपस्थित है, इससे बड़ा सौभाग्य आज से पहले यहाँ पे हुआ ही नहीं होगा शायद, तो ये बड़ा सौभाग्य वाला बात है कि इस साल गुरु जी हमारे साथ है। और ठाकुर का आविर्भाव पर अभी रोहिणी नंदन प्रभु बोले ना, ठाकुर के आविर्भाव से पहले क्या उनको हृदय में आविर्भाव, तो कुछ दिन पहले बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ था और आज ठाकुर जी का आविर्भाव है, तो दोनों के दोनों पूरा का पूरा आगे राधा रानी का आविर्भाव आएगा, तो तीनों के तीनों त्रिवेणी, गुरु जी बोलते ना अपने भाषा शब्द में त्रिवेणी संगम, मानो कि त्रिवेणी बह रहा है पूरा का पूरा त्रिवेणी संगम यहाँ पे उपस्थित हो गया है। तो ठाकुर जी गुरुपाद पद्म के चरण में इन सब प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री नंद के लाला की जय। अच्छा तैयार करो अभिषेक के लिए, तैयार करो फटाफट, तैयार करो 5 मिनट, हमें 5 मिनट बता सुना देते हैं। हरे कृष्णा, आज भगवान कृष्णा जन्म ग्रहण किए हैं, इसलिए हम लोगों के लिए आज सबसे बढ़िया दिन आज का दिन है,
क्योंकि हमारे जो आराध्य देव है कहते आराध्य भगवान ब्रजेश है, हमारे आराध्य श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र आज ये जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए कृष्ण कैसे साधारण लोगों को पूछो जो भागवत पढ़ते हैं, पंडितों को पूछो भैया कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, सबके सब एक ही बात कहेंगे कृष्ण मथुरा में ही जन्म हुए, सबके सब एक ही बात कहेंगे। लेकिन हमारे महाप्रभु महाप्रभु को धारा में जितने भक्त लोग आए हैं कहते कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुए। जन्म कहाँ पर हुए, जन्म गोकुल में हुए। माताओं ने बच्चों को जन्म दिए हो दिए कि नहीं, हम लोग ने किसने किसने बच्चे जन्म दिए हो कर सबका सब दिए है। देखना बच्चा जब जन्म होता है उसको साथ में जो बच्चे का जो नाड़ होता है मैया के गर्भ को साथ में जुड़ी हुई होती है और ये नाड़ छेदन भी होता है, नाड़ काटते भी नहीं। लेकिन मथुरा में क्या कृष्ण जब प्रकट हुए तो नाड़ काट गई, नहीं, भगवान वहाँ चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, दर्शन देख करके बोले देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में रख करके आना, वहां से एक बेटी को ले आना। भगवान इतना बोल करके एकदम प्राकृत शिशु बभुव एकदम छोटा छोटा बच्चा भगवान बन गया, इसलिए जन्म नहीं हुए हठात भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जो स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जो बच्चा जन्म हुआ वो गोकुल में हुआ है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी नहीं बोलेंगे कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, बोले क्यों, देखना जो नाड़ी छेदन होता है ना, नाड़ी काटते हैं ये बड़ी बुरी गोपियां काटती है। इसलिए गोपियों ने कहती है हमने अपना आंखों से देखा मैया के गर्भ से बेटा जन्म हुआ, अपना हाथों से हमने नाड़ी छेदन की, कैसे हम मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए हैं, मथुरा में वो प्रकट हुए। लेकिन स्वाभाविक रूप में जो जन्म है ठाकुर जी गोकुल में हुए। और एक बात है, नियम है जो नाड़ काट जाती है काटने से पहले जो दान की जाती वो दान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई। अभी नाड़ छेदन नहीं हुई, नंद बाबा भागते भागते आए और उन्होंने संकल्प किया जितने ब्राह्मण संतों को मैं 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तीन का पर्वत मैंने मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके मैंने ब्राह्मण संतों को दान दूंगा, उन्होंने ये संकल्प उन्होंने किया है, उसको बाद में जाकर के नाड़ छेदन हुई है। इसलिए कृष्ण कहाँ पर जन्म हुई है, ये गोकुल में कृष्ण जन्म हुए। अभी अभी प्रश्न होता है मथुरा में एक कृष्ण प्रकट हुए और गोकुल में एक कृष्ण जन्म हुए, फिर कृष्ण कितने हो गए, बोलो कृष्ण कितने हो गए, फिर एक कृष्ण मेरे कहा है। कहते हैं मथुरा का जो कृष्ण ये अंश ये पूर्ण नहीं, लेकिन गोकुल का जो कृष्ण ये पूर्ण है। जब वसुदेव महाराज ने मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है उराद का, इनको पता ही नहीं चला कि जो पूर्ण जो ब्रह्म कृष्ण ये अंश कृष्ण को मिला दिया। लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोचे, मैंने अपना बेटे को गोकुल में रख करके मैं गोकुल में रख करके आया हूँ। इसलिए हमारे भागवत में बहुत सारे श्लोक है जहाँ पर प्रमाणित करता है कृष्ण मथुर वृंदावन में ही कृष्ण गोकुल में ही कृष्ण जन्म हुए। कहते कौन कौन प्रमाण, क्या प्रमाण है, कहते गोपी गीत का जो पहला श्लोक ये राधा रानी खुद कहती है, देखो क्या कहती है, बोले जयति ते दिका जन्मना का पहला श्लोक में भी कहते हैं, पशुपांग
जो गैया को चराने वाले श्री नंद बाबा उनकी अंग सज प्रकट हुए श्री कृष्ण चंद्र। कहते जो गर्गाचार्य नामकरण करने के लिए आए, गर्गाचार्य जो झूठ नहीं बोलेंगे, वो क्या कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात पजनवा। ये जो कृष्ण है ना, ये तेरा ही बेटा है, लेकिन कभी ये वसुदेव का बेटा भी बना है, इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोकों से नंद महोत्सव को वर्णन करते, ये पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मन जाता नाद महामहा। जब नंदक घर में कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा बड़े खुश हुए, इसलिए हम क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई कहते वसुदेव का आनंद भयो, कोई कहता है क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो। आनंद किसको भयो है, श्री नंद बाबा को आनंद भयो है। इसलिए श्री परजन बाबा के 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद नंद। जब उनको उम्र 50 साल हो गया, बोले जान बुझ करके संसार में नहीं रहनी चाहिए, अभी हमें परमार्थ के अनुसंधान करनी चाहिए। उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक करते हुए उन्होंने चले गए, लेकिन 4 भाइयों का तो संतान है, लेकिन नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं। उन्होंने सारे बार व्रत तपस्या अपने सब कुछ कर लिया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। बड़े दुखी है, बड़े दुखी, घर में बेटा कब जन्म होगा। इतने में एक एकादशी आई जिसका नाम था पुत्र एकादशी। ये एकादशी कितने महत्व है, लेकिन पहले उन्होंने दान पुण्य सब कुछ किया, लेकिन कृष्ण जन्म नहीं दिए। बोले क्यों, बोले भैया दान पुण्य से ठाकुर नहीं मिलते हैं, मिलते हैं कब, जब एकादशी व्रत करोगे, क्योंकि एकादशी भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली एकादशी है। बोले ये पुत्रदा एकादशी जो पुत्र को जन्म देता है, जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी की, ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा नंद बड़े सुंदर स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे, आकाश में बिजली चमकते हुए दो बच्चे हैं, और ये नंद बाबा का हृदय में प्रवेश किया, और नंद के हृदय से यशोदा के हृदय में प्रवेश किया, और उन्होंने स्वप्न देखा नंद बाबा मैया यशोदा की गोद में एक श्याम सोलर सा बालक पौड़ करके स्तन पान करते समय दोनों धार से दूध बहते हुए कुर्ता बिक रहा है। मैया यशोदा ने स्वप्न देखा एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते करते कपड़ा कैच करके बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मेरे को दूध पिला ले। और उसी रात में ही मैया यशोदा गर्भधारण की, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाले है, बोले श्री नंद के लाला की। जितनी गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा चुंदरी बड़े सुंदर अलंकार पहने बना करके रखे, हम बधाई देने जाएंगे। और सुनंदा नंद बाबा की बहन घर में आकर के सारे काम काज लोग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था आज रात को ही घर में बच्चा की जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, 8 बजे तक सब जगे रहते हैं गांव में, उसके बाद में सो जाते हैं, बोले 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो। लेकिन 8 से 10 तक जो ड्यूटी लगाया उन लोगों ने तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 सबको सुला दी। कब बच्चा जन्म हुआ, वसुदेव अदला बदला करके कब लगे इसको पता ही नहीं चला। सफरे सुनंदा की बीत बोली और देखा एक नीलमणि जैसे बालक मैया जस्ता की गोद में किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया बेटा कब जन्म हो गया पता किसी को नहीं पड़ा। उतने में उसने किया कि एक उन्होंने थाली को ली और बड़े जोर से थाली को बजाते हुए बोले भैया नंद के लाला है, नंद के लाला हो गया है। सबके सामने हल्ला मचा दी और उन्होंने देखा भैया नंद भैया कहाँ है, क्योंकि वो सुनंदा तो नंद बाबा की बहन, वो 6 महीना पहले से आकर जम करके बैठी है। क्यों, बोले भाभी की बेटा होगा तो मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। बोले भैया भैया कहाँ गया, पहला खबर दो तो मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी।
ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा माला जप कर रहे, माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है, वो घर में लाला कब है, वो लाला का कहीं जप कर रहे थे, इतने में ही जा करके सुना था, बोले भैया कमाल है गए हो, ए नंद बाबा तो छलांग लगा दियो, बोले बहन ने कहा भयो, बोले 6 महीना से बैठी हूँ, 6 महीना से नवला की हार के चक्कर में बैठी हूँ, बताओ पहले क्या मिलेगा, बोले नवला की हार तू ले ले, बोले भैया और क्या मिलेगा, बोले नवला की हार दे दिया ना, बोले तुमको पता है कितना बड़ी बात है, हैं बात भी बहुत बड़ी है, बताओ और क्या दोगे, बोले जमुना किनारा में जितने जमनी जगह गैया चलते हैं तेरे नाम पर लिखा देता हूँ, बोले और क्या दोगे, बोले दे दिया ना और क्या, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, 6 महीना से बैठी हूँ, और क्या मिलेगा, बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काट के ले ले, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ भयो है, बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है, बोले श्री नंद के लाला की, वहीं से नंदों का दौड़ लगाई, और कितने कष्ट से उन्हें घर में बूढ़े उम्र में संतान हुआ, नंद बाबा देख करके इतने प्रसन्न हुए, वो नाड़ी छेदना पहले से उन्होंने संकल्प कर लिया, 20 लाख गैया दान दूंगा और मैं ब्राह्मण संतों को 7 तिल का पर्वत दान करूंगा, साधु संत ब्राह्मण को बुलाए, ब्रजवासियों को नौता दिए, सारे ब्रजवासी सर धज करके आए और श्री नंद जसोदा को बधाई दे रहे हैं, मैं बोलूंगा नंद जसोदा नंद बाबा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो जोर से, बोले नंद बाबा बधाई हो, बोले बधाई हो, बधाई हो ब्रजवासियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में मेरे को लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है, लाला मेरो नहीं लाला तुम लोगों का है, और जितने ब्रजवासी अपना हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रहे थे, बोले युग युग जियो री जसोदा मैया तेरो देखते दोनों प्रवेश किया, कीर्ति का मैया बड़ी सुंदर सज सज करके दूध दही मटकी में मिश्री लेकर के आई, इतने में प्रारंभ होगी, एक गोप ने एक लठिया लेकर के मटकी को मारे, मारते मटके तो फूट गई और कृतिका सुंदर दूध दही से स्नान कर ली, और वहां पर तो इतने दूध दही लाए थे, दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगा रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और वहां कीच कीच हो गया, एक दूसरे को ऊपर में गिर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार कर गिरा रहे थे, जैसे हंसी दिलाई करते ना, अब फिसल फिसल कर सब वहाँ पर सबके फिसल फिसल कर गिर रहे थे, और वहाँ पर इतने दूध दही लाए, पूरा दूध का सरोवर बन गया, और सबके सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबके सब गा रही थी, एक बड़ी बूढ़ी मैया वो आकर के देख रही थी, भैया नंद महोत्सव बड़े धूमधाम से हो रहा है, लेकिन उसको एक भी दांत नहीं थी, कैसे करके देख रही थी, एक गोप ने एक मक्खन भी ठेला लाए, इसको मुंह को लख करके सीधा मारे, एक तो दांत थी नहीं और मुंह में लगा तो अंदर में सीधा सकल गया, बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, इतने में श्री नंद बाबा को बीच में ले आए, और एक तरफ में बरसाना का गोप, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दोनों तरफ में पकड़े हुए, मानो यहाँ पर तीन समुद्र मंथन होने जा रहा है, और वहां पर सर्वप्रथम कृष्ण स्वयं आनंद गंद स्वरूप भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, भगवान कृष्ण सर्वप्रथम प्रकट हुए, नंद बाबा इतने दान दिए, रमा क्रीड़ा अभूत निर्भव,
ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी अली गली में क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों को इतने सोना चांदी दान दिए, वो तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे, गठली से कोने से गिरते 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 जा रहा था। वहां पर शंकर भी आए थे, शंकर तो चक्कर में पड़े, डर गए, बोले क्यों? उन्होंने 20 लाख भैया दान दी, समझो, बोले भैया गैया को दान देते देते मेरे नंदी को भी दान नहीं देते, अगर नंदी अगर दान में चला जाएगा तो मैं बैठ कर किसको पीट भी जाऊंगा, इसलिए उन्होंने पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। और वहाँ मैया पार्वती आएगी, पार्वती की दो बेटा है, कौन कौन है? गणेश और कार्तिक। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, उन्होंने इतने हाथी दिए, मैया पार्वती डर गई, बोले क्यों? हाथियों को दान देते तो मेरा बेटा भी तो गजानन हाथी जैसे हो ना हो, अगर उसको दान देगा तो मेरा बेटा ही चला जाएगा। उन्होंने उठा करके अपना गोद में अपना बच्चे को चुपका कर खड़ी हो गई। वहां पर कुबेर आए, कुबेर कौन है? स्वर्ग का सारे रुपया पैसा धन दौलत का जिसको ट्रेजरी है, उन्होंने इतने नंद बाबा दान दिया, इनका सर भी नीचे झुक गया, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ कुबेर बनाया, आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में इतना धन नहीं, इसलिए सारे ब्रजवासी आनंद से गा रहे हैं, नाच रहे हैं सब के सब। अभी प्रभु जी सुंदर बधाई गाएंगे, अभी ठाकुर का अभिषेक होगा, आप ठाकुर का अभिषेक दर्शन करो, कोई खड़े नहीं होना, सब बैठ करके यहीं पर कहीं से आप सब बैठ करके ठाकुर का दर्शन करो। और जिन लोगों ने व्रत रखा है, निर्जला व्रत, आज किसने नहीं खाया, भोजन नहीं किया, हाथ उठा, आज दिन भर किसने हाथ उठा, किसने? बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी आप सबको आशीर्वाद करेंगे, आप लोगों को धन्यवाद की जन्म तक अपेक्षा क्या है। हाँ, जो ये व्रत रखेगा ना, एक दिन ठाकुर जी उनके हृदय में ठाकुर जी एक दिन स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अभी आप लोग उसको अभिषेक होगी, उसको बाद में चरणामृत लेना, चरणामृत लेकर उसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पर जो बनाया होगा फलाहार बनाया होगा, फलाहार भी प्रेमचंद फोड़ दो, बहुत सारे भक्त लोग हैं, बढ़िया से फलाहार देना, तैयार है ना? ठीक है, आप लोग कहीं बैठ करके फलाहार लेकर जाओ, जल्दी जल्दी करो भैया, क्या कर रहे हो अंदर, कहाँ से मतलब क्या बड़ा कब शुरू करो, 12 बजे या क्या कर रहे हो, 11:30 बजे शुरू कर देनी चाहिए, अरे पहले तो लोग ठाकुर को बाहर निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, बड़ा कब करो बाबा, हरे कृष्ण बोलो नंद की लाला की, बाबा की लाला की, भैया की लाला की, लाला की बाबा की, लाला की भैया की, अभी प्रभु आप चले जाओ, हम लोग कुछ खड़े नहीं होना, हरे कृष्ण सिर जाओ, जब लाला कन्हैया को मुझ में जन्म भयो तब पूरा ब्रज मंडल जैसे मिठाइयां सकती है, हलवाई की दुकान पर ऐसी मिठाइयों में लुप्त हो गया। Oh,
जिन लोगों ने जन्म संस्कार हुआ है, जिन लोगों का जन्म संस्कार हुआ है, दिखना मतलब वही ठाकुर के पास जाते हैं। नहीं तो कोई जो जन्म संस्कार नहीं हुआ और ठाकुर को छूना भी नहीं, जो ज्ञान घाट रहे हो और जो जन्म संस्कार नहीं, दिखना मंत्र भी हुआ और ठाकुर को नहीं छूनी चाहिए। जिसका दिखना मंत्र भी आप लोग ही कोई लोग ही ठाकुर के पास जाते थे अभिषेक। ब्रज की गली गली में शोर आए, आयो भाषण जाए, ब्रज की गली गली में शोर आए, ब्रज की गली गली में शोर आए, आयो भाषण जाए, ब्रज की गली गली में शोर आए। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh, okay.
अरुण कहाँ गया?
प्रभु जी इधर आते जब ये नहीं प्रसाद बनाया नहीं जाता तो क्या कर रहे थे अब तक सारी दुनिया को प्रसाद नहीं जो मंदिर में भक्त लोग उनके लिए कुछ प्रदर्शन और मैं कहाँ गया हरे कृष्णा वो चरणा मृत तो उधर ले जाओ उधर चरणा मृत तो ले जाओ सुमित सुमित प्रभु जी चरणा मृत तो अच्छे तरह से दे दो अरे वहां ले जाओ चरणा मृत जाओ चरणा में तो वहां पर है एक एक कर जाओ तो चरणा को ठाकुर को लेकर के अपने जो व्रत खुला है वो व्रत को खोल दे जाते हैं सबको एक एक क्लास में सबको चरणा में थोड़ा थोड़ा दे दो थोड़ा सा